from textbook.com. तो आज हम लोग ऐसी बोल सकते हैं कि क्लास करने वाले हैं जो कि हमारे एग्जाम में पूछे जाने वाले हैं, ऐसे क्वेश्चन को करने वाले हैं। तो जितने लोग भी हमसे जुड़े हुए थे डीआरडीओ क्लास में, फटाफट से उनके साथ शेयर कर दो, क्योंकि यहाँ पर बहुत से लोगों का मानना यह है कि सर कौन से क्वेश्चन आप हमारे डीआरडीओ में पूछे जाएंगे, तो वो सारे के सारे क्वेश्चन हम यहाँ पर कराने वाले हैं आज की क्लास में। तो सबसे पहले मैं आपको बता दूं, हमारा जो डीआरडीओ का पेपर है उसमें सबसे ज्यादा पूछा जाने वाला जो सब्जेक्ट है वो है करेंट अफेयर्स। ठीक है, करेंट अफेयर्स के जीए में आपके 80% क्वेश्चन पूछे जाएंगे। याद कर लो, 80% क्वेश्चन करेंट अफेयर्स के होंगे। और करेंट अफेयर्स में भी आपको क्या पढ़ना है, तो आपको इम्पोर्टेंट अपॉइंटमेंट, मतलब जो हमारे रिसेंट में जितने भी महत्वपूर्ण अपॉइंटमेंट हुए हैं उन सबके बारे में पढ़ना है। ठीक है, अभी आवाज आपको बढ़िया से आ रही होगी। और साथ ही साथ बुक एंड ऑथर्स ये पढ़ना है। उसके बाद से जितने भी हमारे अवार्ड्स एंड रिवॉर्ड्स मिले हैं इंडिया में, जितने भी अवार्ड्स एंड रिवॉर्ड्स मिले हैं ये सारे के सारे पढ़ने हैं। और उसके बाद से हमारा जो 20% में 10% का जो रेशियो है वो आएगा स्टैटिक जीए का। स्टैटिक मतलब आप लोग जानते हो, नेशनल पार्क आपसे पूछेगा, फोक डांस आपसे पूछेगा, डैम पूछेगा, रिवर पूछेगा। और उसके बाद जो 10% बचता है उसमें आपका पॉलिटी हिस्ट्री पूछेगा। तो ये पूरा का पूरा हमारा सिनेरियो है डीआरडीओ के इस बार के एग्जाम का। तो आप लोगों को किसके ऊपर फोकस करना है, तो मैं फिर से बता रहा हूँ, करंट अफेयर्स के ऊपर जितना फोकस करोगे उतना ज्यादा आपके लिए अच्छा होगा। लेकिन अगर अभी हमारी सिचुएशन अच्छी चल रही होती, हमारी सिचुएशन जो है अप टू द मार्क चल रही होती, तो क्या होता, तो उस कंडीशन में हमारा एग्जाम अभी तक हो गया होता, मतलब आप लोग जो हो प्रिपेयर हो गए होते। तो उस प्रिपरेशन को चेक करने के लिए आज की क्लास है कि आप लोग कितने प्रिपेयर हो। और उसमें मैं आपसे पूछने वाला हूँ करंट अफेयर्स के ऐसे क्वेश्चन जो सीधे आपके एग्जाम में रिफ्लेक्ट होने वाले हैं, मतलब आपको सीधे वो एग्जाम में दिखाई देंगे। तो सभी लोग अगर तैयार हैं आज के क्वेश्चंस के लिए, जिसमें मैं इंपॉर्टेंट अपॉइंटमेंट से लेकर के बुक ऑर्थर अवार्ड तक, उसके बाद से स्टैटिक जीए के कुछ क्वेश्चन कराने वाला हूं, तो सभी लोग जो है वो थम्स अप करके भेजेंगे और वीडियो को फटाफट से शेयर करो, जिससे कि जितने भी हमारे जो डीआरडीओ की क्लास में बच्चे आते थे वो सभी के सभी जुड़ जाएं। चलिए हम लोग फटाफट से स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर आने वाला है, और पहला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है ये। अभी आपको बताना है कि वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम जो कि अभी बहुत ज्यादा चर्चा में है, ठीक है, क्यों, क्योंकि यही हमारा जो है वो डिजास्टर मैनेजमेंट कर रहा है, यही हमारी जो पूरी की पूरी इकोनॉमी को हमारे हरेक कंट्री की बोल सकते हैं वॉचआउट कर रहा है। उसमें 2020 जनवरी में कुछ बोर्ड ऑफ मेंबर्स को नियुक्त किया गया था, उनमें से वो कौन कौन थे, क्रिस्टानिया जॉर्जीवा, पेट्रिस रोहान, या बोथ वन एंड टी टू, या सभी के सभी करेक्ट है, क्या होना चाहिए सही जवाब, मैं देखता हूँ सबसे पहले कौन बताने वाला है। और पहले जो तीन से चार लोग बताने वाले हैं मैं उनके नाम भी यहाँ पर लेने वाला हूँ। सबसे पहले अभी ने बताया कि सर होना चाहिए फोर्थ नंबर, ठीक है, विशाल बहुत आराम से देखो और क्वेश्चन को याद कर लो, क्योंकि इसके बाद तुम लोगों को इसकी पीडीएफ भी मिल जाएगी, तो आप लोग सारे क्वेश्चन को याद कर लेना बहुत अच्छे से, क्योंकि मैंने पहले ही बोला है कि यहीं से क्वेश्चन तुम्हारे एग्जाम में रिफ्लेक्ट होने वाले हैं। यहाँ पे सही जवाब क्या है, तो दैट इज आपका जितने लोग बोथ बोल रहे हैं उनका 50% सही है, लेकिन यहाँ पर जितने लोग ऑल बोल रहे हैं वो पूरी तरीके से गलत है, क्योंकि हमारी क्रिस्टिनिया जॉर्जिया जो कि हमारे IMF की चीफ है, किसकी, IMF इंटरनेशनल मॉनेटरी पॉलिसी, और उसकी एक बोर्ड ऑफ मेंबर जिसका नाम है पेट्रिस मोटसेपे, इन लोगों ने दोनों ने बोल सकते हैं वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम का क्या बनाया गया है, इनको हेड बनाया गया है।
ठीक है, तो ये चीजें आपको याद रखनी है। अब मेरा यहाँ पर फिर से एक क्वेश्चन आप लोगों से है कि जो IMF है, इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड, जो कि अभी हमारी करंट सिचुएशन को वॉच आउट कर रहा है हमारे जो कोरोना वायरस के लिए, उसका हेडक्वार्टर कहाँ पर है? देखते कितने लोग बताने वाले हैं कि IMF का हेडक्वार्टर कहाँ पे। देखिए मैं आज जो क्वेश्चन करा रहा हूँ आपको सीधे DRDO में वही क्वेश्चन मिलने वाले हैं, तो बिल्कुल आपको यहाँ पर पूरी क्लास को बहुत अच्छे से देखना है, ठीक है, बहुत अच्छे से देखना। और ये नहीं सोचना कि मुझे क्वेश्चन आ नहीं रहे, सिर्फ आपको रिस्पॉन्स करना है, जितना रिस्पॉन्स करोगे उतना तुम्हारे लिए अच्छा होगा। एक अपनी चाय ले लो बढ़िया सी और यहाँ पे हमारे साथ जुड़े रहो। चलो दूल्हे राजा जुड़ गए हमारे साथ, तो यहाँ पर लोग बोल रहे हैं सर होना चाहिए जिनेवा, लेकिन नील ने बताया कि सर होना चाहिए Washington DC, फिर मिश्रा जी बता रहे हैं Washington DC होना चाहिए। तो जितने भी लोग Washington DC बता रहे हैं वो पूरी तरीके से सही है, क्योंकि आपके IMF का जो हेडक्वार्टर है वो Washington DC में है। तो जितने लोग बता रहे हैं Washington DC वो सही है। जिनेवा हर चीज का हेडक्वार्टर नहीं होता है, लेकिन हाँ 13 हमारे ऐसे ऑर्गेनाइजेशन है जिसका हेडक्वार्टर कहाँ पर होता है, जिसका हेडक्वार्टर जिनेवा में। अब मेरा फिर से क्वेश्चन है, बहुत ध्यान सुनिएगा, वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम का हेडक्वार्टर कहाँ पर है? Where is the headquarter of World Economic Forum? देखते हैं कितने लोगों को पता है और जल्दी से वीडियो फटाफट से शेयर करो जिससे कि ज्यादा से ज्यादा लोग हमारे साथ जुड़ सके। World Economic Forum का हमारा हेडक्वार्टर कहां पर है? यहाँ पर लोगों का मानना है कि सर जिनेवा होना चाहिए, तो जिनेवा के आसपास थोड़ा सा घूमने की कोशिश करो, क्योंकि ये आप लोग गलत बता रहे हो, ठीक है। तो यहाँ पर जिनेवा जितने लोग बता रहे हैं वो गलत है, क्योंकि ये स्विट्जरलैंड में ही, और स्विट्जरलैंड का जो आपका कौन सा कॉनकी है, कॉनकी जो आपकी जगह है वहां पर इसका हेडक्वार्टर। तो प्लीज इसको भी सब लोग नोट डाउन करेंगे, अपनी PDF में आपको जो आपको दूंगा उसमें सारी की सारी चीजें आपको नोट डाउन करती चली जानी है। तो W आपका EF मतलब वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम का जो हेडक्वार्टर है, देखो मैं यहाँ पर लिख रहा हूँ, दैट इज कोलंगी। ये कहाँ पर है? तो आप बोलोगे सर स्विट्जरलैंड में। तो यहाँ पर सारी की सारी चीजें हम लोगों ने बात डिस्कस की, क्रिस्टियानिया जॉर्जिया कौन है, पेट्रिस मोटसेपे कौन है। चलिए एक छोटा सा क्वेश्चन और दिमाग में आ रहा, देखते हैं कितने लोगों को पता है कि हमारे IMF में हमारे इंडिया जो मूल की है, भारतीय मूल की कौन सी ऐसी है जिनको बोर्ड ऑफ मेंबर में जगह दी गई है। मैंने क्या पूछा, इंडिया मूल की वो कौन है जिनको IMF में जगह दी गई है, देखते हैं कितने लोगों को पता है। PDF गोल्डी आपको सारे के सारे क्वेश्चन जितने हैं उनकी PDF आज ही क्लास की मिलने वाली है, क्लास के बाद, लेकिन अभी बहुत ध्यान से यहाँ पर जुड़े रहिए। हमको बताना है कि अभी हमारे जो IMF में भारतीय मूल की जिनको बताया गया है कि बोर्ड ऑफ मेंबर, उनका नाम क्या, कितने लोगों को पता है? शुभम एक काम करना, अगर तुमको नहीं मिल पाती तो तुम नीचे कमेंट कर देना, मैं तुमको स्पेशल अटैच कर दूंगा, लेकिन बाकी के लोग डिस्क्रिप्शन में जाना, वहां पर मिल जाएगा। तो यहाँ पर अनर सिंह ने बताया सर गीता गोपीनाथ होना चाहिए, तो यहाँ पे सही जवाब क्या, तो दैट इज गीता गोपीनाथ, जैसे कि बहुत सारे लोग सचिन नील सभी लोग बताए। और मैं आपको बता रहा हूँ आज की अगर पूरी आपने क्लास कर दी तो GA में आपके 100 में 100% मार्क आने वाले हैं, कहीं से भी कोई मार्क कटने वाला नहीं है। यहाँ पर बोथ 1 और 2 और जहां पर जितनी चीज हमने डिस्कस की वो आपको याद होना चाहिए। चलते अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अभी आपको बताना है कि हमारे बहुत सारे बैंक्स मर्ज हुए हैं, सभी को मालूम होगा बहुत सारे बैंक्स मर्ज हुए हैं, लेकिन आपको बताना है कि जो कैनरा बैंक है वो हमारा, उसके CEO और MD किसको नियुक्त किया गया था जनवरी 2020 में। फिर हम लोग मर्जिंग से रिलेटेड चीजों के ऊपर बात करने वाले हैं, जल्दी से बताइए। तो यहाँ पर लोगों क्या मानना है, तो यहाँ पर लोगों का मानना है सर 4 नंबर होना चाहिए। मैं आपको फिर से बता रहा हूँ, आज की अगर आपने क्लास कर ली तो आपके GA में 100% मार्क्स आएंगे। तो यहाँ पर अगर हम बात करें तो सही जवाब है आपका LB प्रभाकर। यहाँ पर लोगों के अलग अलग कमेंट आ रहे हैं, कोई जो लोग 4 नंबर बोल रहे थे तो वो पूरी तरीके से सही है। चलिए अब हम लोग क्या बात करने वाले थे, तो बैंक का यहाँ पर क्वेश्चन लाने का मतलब था कि मैं वो जो हमारे मर्जर हुए हैं उसको लेकर के हम बात करने वाले हैं। तो यहाँ पर बहुत ध्यान से जुड़े रहिएगा। तो सबसे पहले हमारे जो 1 अप्रैल था 2020, उसमें हमारे 10 पब्लिक सेक्टर का मर्जर हो गया
और अभी हमारे इंडिया में टोटल पब्लिक सेक्टर बैंक कितने हैं, तो 12। तो सबसे पहला क्वेश्चन कि कितने पब्लिक सेक्टर का बैंक का मर्जर हुआ है, तो आप बोलोगे 10, और टोटल पब्लिक सेक्टर बैंक कितने हो गए, तो बोलोगे 12। ये दोनों चीजें आपको याद रखनी, एक क्वेश्चन तो यहाँ से बनेगा। दूसरा क्वेश्चन, आपके कौन से बैंक किसमें मर्ज हुए हैं, अब आपको ये भी याद रखना है। तो सबसे पहले हम लोग बात करेंगे, तो हमारे देश में ओरिएंटल बैंक ऑफ कॉमर्स, यूनाइटेड बैंक ऑफ इंडिया मर्ज हो गए हैं किसमें, पंजाब नेशनल बैंक में। ओबीसी प्लस आपका कौन सा, तो आप बोलोगे यूनाइटेड बैंक ऑफ इंडिया यूबीआई, ये किसमें मर्ज हो गया, तो पंजाब नेशनल बैंक में, ये तीनों मिलकर के एक हो गए। उसके बाद से दूसरे की अगर हम लोग बात करें, तो हमारे कौन से सिंडिकेट बैंक किसमें मर्ज हो गया है, तो मर्ज हो गया है कैनरा बैंक में, सिंडिकेट बैंक मर्ज हो गया है कैनरा बैंक में। उसके बाद से हम लोग तीसरे की बात करें, तो हमारे देश का सबसे पुराना बैंक कौन सा है, अलाहाबाद बैंक, ये मर्ज हो गया है इंडियन बैंक में, सिंडिकेट अलाहाबाद बैंक किसमें मर्ज हो गया है, इंडियन बैंक में। उसके बाद से आपको याद रखना है कि आपका यूनियन बैंक जो है वो किसमें मर्ज हो गया है, यूनियन बैंक, ये आपका यूनाइटेड था, अब मैं कौन सा बोल रहा हूँ, यूनियन बैंक, ठीक है, यूनियन बैंक किसमें मर्ज हो गया है, तो यूनियन बैंक मर्ज हो गया है आपका आंध्रा बैंक और कॉर्पोरेशन बैंक में, ठीक है, आंध्रा और कॉर्पोरेशन बैंक ये जो है यूनियन बैंक में मर्ज हो गया है। तो ये आपको तीन पॉइंट याद रखने हैं जो कि आपके एग्जाम में पूछेगा। पहला पॉइंट क्या था कि पंजाब नेशनल बैंक में कौन कौन से मर्ज हुए हैं, तो ओबीसी यूनाइटेड बैंक ऑफ इंडिया पंजाब में, अलाहाबाद बैंक इंडियन बैंक में मर्ज हो गया है, और उसके बाद से लास्ट पॉइंट आपको क्या याद रखना है कि आपका यूनियन बैंक और आंध्रा बैंक किसमें मर्ज हो गए हैं, तो कॉर्पोरेशन बैंक में मर्ज हो गए, यूनियन और आंध्रा बैंक कॉर्पोरेशन बैंक में मर्ज हो गए। सब लोग ये चीज याद कर लो, क्योंकि अगर यहाँ से क्वेश्चन नहीं बना तो आप लोग बोल देना कि सर यहाँ से हमारा क्वेश्चन नहीं बना। मैं आपको बताने वाला हूँ, आज की क्लास ऐसी है जो कि सीधे रिफ्लेक्ट होने वाली है आपके एग्जाम में। अभी चलते हैं, इन जनवरी 2020 इस कैटरीना सोकोपोलो जो कि हमारी फीमेल प्रेसिडेंट बनी किसी भी कंट्री की, उनका नाम बताना है वो कौन से कंट्री की थी, इटली स्पेन ग्रीस फ्रांस या जर्मनी, बताइए, देखते हैं कितने लोगों को पता है, देखते हैं कितने लोगों को पता है कौन इसके बारे में बताने वाला है कि हमारी जो कैटरीना है, कैटरीना का नाम आप लोगों ने सुना ही होगा, लेकिन मैं ये प्रेसिडेंट कैटरीना की बात कर रहा हूं, देखते हैं कितने लोगों को बताने वाले हैं। तो यहाँ पर सबसे पहले आरोही का जो है वो फुल फॉर्म में है आरोही, आज मतलब बोले सर ग्रीस होना चाहिए, उसके ऐसे आप बोल रहे हैं नील भी होना चाहिए, ठीक है, नील भी बोल रहे हैं सर ग्रीस होना चाहिए, उसके ऐसे बहुत सारे लोग बोल रहे हैं, और पूरी जनता अगर ये इस चीज को एक बार बोल देगी, कमेंट कर देगी, तो उसको याद रहेगा। याद करने का सबसे अच्छा तरीका है आप इस क्लास में कमेंट करते जाओ, आपको वो चीज याद रहने वाली, क्योंकि यहाँ पे सही जवाब है जिसकी कैपिटल है एथेंस और करेंसी है यूरो, मतलब मैं बात कर रहा हूँ ग्रीस की, जिसकी पहली हमारी महिला प्रेसिडेंट बनी थी कैटरीना सैकेरोलो पोलो। अगर हम लोग बात करें इटली की, तो इसकी आप इटली के बारे में देखोगे तो इटली का जो अभी देखोगे कितना बुरा हाल है, कैपिटल है रोम, ठीक है। स्पेन की अगर हम लोग बात करें तो स्पेन की कैपिटल है मैड्रिड। फ्रांस की अगर हम लोग बात करें तो फ्रांस की कैपिटल है पेरिस। और अगर हम लोग जर्मनी की बात करें तो जर्मनी की कैपिटल है बर्लिन, और मेरा एक फ्रेंड था जिसका नाम था बर्लिन। तो ये सारी चीजें हमको याद रखनी है, और चलते अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, और नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे क्या पूछने वाला है, हु हैज अज्यूम्ड चेयरमैन ऑफ फोरम ऑफ इलेक्शन मैनेजमेंट बॉडी ऑफ साउथ एशिया। इनमें से साउथ एशिया के जो कंट्री है जिसमें हमारा इंडिया आता है, ठीक है, इंडोनेशिया मलेशिया ये सारे कंट्रीज आते हैं, उनमें जो इलेक्शन होते हैं उस पूरे इलेक्शन को मैनेज करने के लिए कौन सी बॉडी बनाई गई थी, दैट इज आप उसको बनाया था इलेक्शन मैनेजमेंट बॉडी, उसके चेयरमैन किसको बनाया गया, जल्दी से बताइए। अशोक है, ओम प्रकाश है, अचल कुमार ज्योति है, सुनील अरोरा है, जल्दी से बताइए और बिना देर लगाए बताइए, क्योंकि हमें बहुत सारे क्वेश्चन करने हैं। तो वीडियो को तुम लोग शेयर नहीं कर रहे हो, जिससे कि तुम्हारे जितने फ्रेंड हैं जो हमारे साथ तैयारी करते थे वो लोग नहीं आ रहे हैं। तो अगर हम लोग यहाँ पर देखें तो यहाँ पर सही जवाब क्या है, तो हमारे करंट मतलब आर्टिकल नंबर 324 की बात कर रहा हूँ मैं, मतलब हमारा जो इलेक्शन कमीशन है उसमें तीन लोग होते हैं। सबसे पहला एक चीफ इलेक्शन कमिश्नर, दो हमारे इलेक्शन कमिश्नर होते हैं, ठीक है। ये हमारा जो चीफ इलेक्शन कमिश्नर है उनका नाम है सुनील अरोरा, जैसे कि यहाँ पर लोगों को लग रहा था ज्यादातर, तो सुनील अरोरा जो कि हमारे इलेक्शन कमिश्नर है उनको ऑल ओवर साउथ एशिया का इलेक्शन मैनेजमेंट का सिस्टम दे दिया गया। तो यहाँ पे सही जवाब है सुनील अरोरा, ठीक है। लेकिन अगर मैं आपसे एक चीज पूछना चाहता हूँ, देखते कितने लोगों ने मुझसे पॉलिटी पढ़ी और उनको याद है, हमारे जो चीफ इलेक्शन कमिश्नर होते हैं उनका कार्यकाल कितना होता है, उनका टेन्योर कितना होता है, व्हाट इज द टेन्योर ऑफ
चीफ इलेक्शन कमिश्नर, क्योंकि इनको अपॉइंट तो प्रेसिडेंट करता है, लेकिन बताइए इसका कार्यकाल कितना होगा, जल्दी से बताइए। मैं आपको कमेंट जो देख रहा हूं कितने लोग बताने वाले हैं। तो यहाँ पर राजीव वर्मा का मानना है कि सर 6 साल होना चाहिए, तो 6 ईयर। उसके बाद सज्जन सुकांता भी, राहुल मलिक, जितने भी लोग बोल रहे हैं उन सभी का मानना है सर 6 ईयर और एज ऑफ 65, ये भी आपको याद रखना है। अब यहाँ पर ये था इसका सही जवाब। अगर हम लोग बात करें राजीव महर्षि, जितने लोग रहे, ये हमारे देश के कंट्रोलर ऑडिटर जनरल है, ये हमारे देश के कंट्रोलर ऑडिटर जनरल। फिर से आपके लिए क्वेश्चन है, वो कौन सा आर्टिकल है जो हमारे सीएजी के बारे में बताता है, कंट्रोलर ऑडिटर जनरल के बारे में बताता है, जिसका कार्यकाल भी 6 साल होता है, इसको भी प्रेसिडेंट अपॉइंट करता है, लेकिन आप जल्दी से मुझे कमेंट करके बता दो आर्टिकल कौन सा होता है। यहाँ पर आर्टिकल इलेक्शन कमिश्नर के लिए हमारा 324 होता है, तो सीएजी के लिए कौन सा आर्टिकल होता है, जल्दी बताओ। मैं नाम लेने वाला हूँ, 4-5 लोगों का नाम लूंगा, जल्दी कमेंट करो, कोई तुमसे आगे ना निकल जाए। तो यहाँ पर शरद का मानना सर 146 होना चाहिए, 76 होना चाहिए, 76 हमारे अटॉर्नी जनरल के लिए होता है। महेश अभी तुम्हारा भी नहीं सही है, मनीष तुम्हारा भी नहीं सही है, और डांट पड़ने वाली। अमन बोले सर 145 होना चाहिए, 144 होना चाहिए, लेकिन राजीव का मानना है, राजीव आज पूरी फॉर्म में है कि सर आर्टिकल नंबर 148 बोलता है कि हमारे देश में एक कंट्रोलर ऑडिटर जनरल होना चाहिए, याद कर लो। जैसे कि पूजा बता रही है, तो राजीव के बाद पूजा, फिर नील, ये सभी लोग बता रहे हैं, तो भैया याद कर लो, नहीं तो नंबर चला जाएगा। चलते अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, आपसे क्या बोलने वाला है, यहाँ पर आपको बताना है जनवरी 2020 चल्ला श्रीनिवास शेट्टी, who was appointed as MD of which bank, किस MD बनाया गया था। देखते हैं कितने लोग बनाने वाले हैं। मैं आपको छोटी सी हिंट देता हूँ, इसका जो टैगलाइन है वो है प्योर बैंकिंग नथिंग एल्स, प्योर बैंकिंग नथिंग एल्स। ये हमारे इस पहले बैंक का नाम, अगर मैं आपको बता दूं, इसका नाम पहले था प्रेसिडेंसी बैंक, प्रेसिडेंसी को कन्वर्ट किया गया 1921 में इंपीरियल बैंक में, किसमें, इंपीरियल बैंक में, और उसके बाद से 1955 में इसको कन्वर्ट किया गया स्टेट बैंक ऑफ इंडिया में। इसलिए इसका सही जवाब जो है, जैसा कि जनता ने बताना शुरू कर दिया है कि सर स्टेट बैंक ऑफ इंडिया होना चाहिए, तो ये चीज आपको याद रखना है। प्रेसिडेंसी बैंक पहले था, उसको 1921 में इंपीरियल बैंक बनाया गया, और उसके बाद से इंडियन गवर्नमेंट ने इसको पूरी तरीके से ऑक्यूपाई कर लिया और 1955 में बन गया स्टेट बैंक ऑफ इंडिया। ठीक है, रजनीश कुमार इसके चेयरमैन है, ठीक है, और इसके MD कौन बने हैं, तो चल्ला सिवालू सेट्टी। तो चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछने वाला है ये, इन जनवरी 2020 हु हैज बीन अपॉइंटेड एज MD एंड CEO ऑफ बैंक ऑफ इंडिया फॉर पीरियड ऑफ 3 इयर्स, 3 साल के लिए किसको बैंक ऑफ इंडिया का CEO नियुक्त किया गया है। आपके सामने मुकेश कुमार जैन, सुनील मेहता, अंतनु कुमार दास या एस हरिहर, देखते हैं कितने लोगों को पता है, या जय कुमार है। ठीक है, जल्दी से जवाब दीजिए, पहला जवाब मिलते ही हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ जाएंगे। बहुत बढ़िया विशाल। तो यहां पर हमारे मनीष का मानना है कि सर होना चाहिए 4th नंबर, मतलब हमारे अंतनु कुमार दास सही जवाब है, जिसको अनुज त्रिपाठी बता रहे। चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अभी आपको बताना है कि हमारी बीजेपी, जो कि आप आजकल हमारी रूलिंग पार्टी है, उसमें हमारे नए प्रेसिडेंट, मतलब नए अध्यक्ष चुने गए हैं, उन अध्यक्ष का नाम क्या है, अमित कुमार शाह, नितिन गडकरी, धर्मेंद्र प्रधान या जेपी नड्डा, जयराम ठाकुर, क्या होना चाहिए इसका सही जवाब, सोच करके बताइएगा। इजी क्वेश्चन है, क्वेश्चन गलत नहीं होना चाहिए। सभी लोग कमेंट करेंगे, जितने लोग कमेंट करेंगे उनका नाम मैं लेने वाला हूँ। निशिता भी हमारे साथ जुड़ गई है। तो कैंडी का मानना है कि सर 3 नंबर होना चाहिए, मतलब धर्मेंद्र प्रधान, लेकिन सुकांता का मानना है कि सर होना चाहिए 4 नंबर, कैंडी का अब मानना है कि सर 4 नंबर होना चाहिए, धर्मेश का मानना है कि होना चाहिए क्या धीरज, धीर पांडे जी का मानना है कि नड्डा होना चाहिए। तो जेपी नड्डा इज द राइट आंसर, जेपी नड्डा को हमारे भारतीय जनता पार्टी का अध्यक्ष बनाया गया है, और ये सबसे ज्यादा नाम हमें तब देखने को मिला था जब ज्योतिरादित्य सिंधिया हमारी भारतीय पार्टी में आकर के शामिल हो गए थे, मतलब सिंधिया ने कांग्रेस को छोड़ा था और भारतीय पार्टी में शामिल हो गए थे, जनता पार्टी में, और जेपी नड्डा ने ही उनको जो है वो शपथ दिलाई थी। अब अमित शाह की बात करें तो होम मिनिस्टर है हमारे, नितिन गडकरी की बात करें तो ये हमारे नेशनल हाईवे एंड शिपिंग मिनिस्टर है, धर्मेंद्र प्रधान की बात करें तो गैस पेट्रोलियम मिनिस्टर है, जयराम ठाकुर की बात करें तो ये हिमाचल प्रदेश के सी
सीएम है। तो ये सारी चीजें भी आपको पता होनी चाहिए, क्योंकि चलते हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। आपसे क्या पूछने वाला है, आपको बताना है हु हैज बीन अपॉइंटेड एज द चेयरपर्सन ऑफ एग्जीक्यूटिव काउंसिल ऑफ नेहरू मेमोरियल म्यूजियम एंड लाइब्रेरी इन जनवरी 2020। जनवरी 2020 में नेहरू मेमोरियल म्यूजियम एंड लाइब्रेरी के कार्यकारी परिषद का अध्यक्ष किसे चुना गया था? आपको तो नहीं चुना गया था, लेकिन आपको नहीं चुना गया था तो बताइए क्या होना चाहिए। प्रमोद कुमार मिश्रा, राजीव गोबा, नपेंद्र मिश्रा, पुलोक चटर्जी या अमिताभ कांत? जल्दी से सोच करके बताइएगा क्या होना चाहिए सही जवाब। मैं चाहता हूं कि सभी लोग वीडियो को एक बार शेयर कर दे फटाफट से, जिससे कि तुम्हारे कॉम्पिटिटर बढ़े। और तो आई होप यहाँ से सब कुछ ठीक है, तो फटाफट से सब लोग जुड़ जाइए, क्योंकि थोड़ी सी नेटवर्क प्रॉब्लम हो गई थी। आई होप ये सिचुएशंस आ जा रही हैं, क्योंकि आप लोग जानते हो कि कैसे सिनेरियो चल रहा है। तो फटाफट से सब लोग जुड़ जाइए, वापस से वीडियो को एक बार शेयर कर दीजिए, क्योंकि यहाँ पे ऑल क्लियर है अभी। तो आई थिंक इसका जवाब क्या है, तो नपेंद्र मिश्रा। तो नपेंद्र मिश्रा हमारे पीएम साहब के बहुत फेवरेट है, मतलब पीएम जो है वो इनको बहुत ज्यादा जो है वो लाइक करते हैं, और इनको इन्होंने बहुत सारी कमेटीज के चेयरमैन बनाए। उन्हीं में से हमारे नेहरू मेमोरियल म्यूजियम भी था जिसके चेयरमैन ये बने। अगर हम लोग इनके बारे में बात करें तो जो हमारा जो राम मंदिर कमेटी है, राम मंदिर जो हमारी कमेटी है, उसके भी इनको चेयरमैन बनाया गया है। चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। और जो आज की क्लास मिस कर रहा है, मैं आपको बताने वाला हूं कि उनके लिए ये आज बहुत ही बुरा दिन होने वाला है उनके, क्योंकि मार्क्स जाने वाले हैं। अभी आपको बताना है हु अमंग द फॉलोइंग वाज इलेक्टेड एज द प्रेसिडेंट ऑफ सस्पेंडेड आर्चरी एसोसिएशन ऑफ इंडिया। जनवरी 2020 में निलंबित तीरंदाजी संघ के अध्यक्ष किसको चुना गया है? शिबू सोरेन, अर्जुन मुंडा, हर्षवर्धन, बाबूलाल मरांडी या प्रहलाद जोशी? क्या होना चाहिए? जो हमारे आर्चरी, जिसमें हमारा कभी एक बहुत बड़ा योगदान हुआ करता था, चाहे आपने महाभारत देख रहे हो या कभी आप रामायण देख रहे हो, हमारी तीरंदाजी का तो पूरे वर्ल्ड में नहीं मुकाबला था, लेकिन धीरे धीरे क्या हुआ, वो गर्त में जाने लगा। लेकिन वापस से उसको उठाने के लिए हमारे देश में एक एसोसिएशन बनाया गया, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं, दैट इज नोन एज आर्चरी एसोसिएशन, तीरंदाजी एसोसिएशन। उसके चेयरमैन कौन है, जल्दी से बताइए, देखते हैं कितने लोग बताने वाले हैं। यहाँ पर लोगों को लग रहा है सर अर्जुन मुंडा होना चाहिए, ज्यादातर लोगों को दो नंबर लग रहा है, किसी को और किसी को कुछ नहीं लग रहा है क्या? तो यहाँ पर अगर हम लोग सही जवाब की बात करें, लेकिन सबसे पहले तो जितने लोग जुड़े हुए थे वापस से आ जाइए, क्योंकि मैं आपको बताने वाला हूँ आज की क्लास हमारे लिए बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाली है। तो यहाँ पर अगर हम देखेंगे हमारे जो आर्चरी एसोसिएशन के जो हमारे बोल सकते हैं कि जिनको चुना गया है, उनका नाम है अर्जुन मुंडा, और ये हमारे देश के बोल सकते हैं कि ट्राइब मिनिस्टर भी हैं, जो हमारे आदिवासी मामलों के मिनिस्टर भी हमारे अर्जुन मुंडा ही है। तो ये था इसका सही जवाब। चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। मैं आपको बता दूं हर्षवर्धन जो है वो हमारे देश के एक बहुत ही इंपॉर्टेंट मिनिस्ट्री उनके पास है, वो है हेल्थ एंड साइंस मिनिस्ट्री। ठीक है, हेल्थ एंड साइंस मिनिस्ट्री है, लेकिन आपको सभी को अभी कमेंट करके बताना है कि हर्षवर्धन जो है वो हमारे देश की सबसे छोटी कॉन्स्टिट्यूएंसी, मतलब संसदीय क्षेत्र से आते हैं, जो सबसे छोटा है उसका नाम बताइए, क्योंकि उसका नाम मैं बॉक्स के अंदर लिखूंगा जो बताएगा कि हर्षवर्धन की कॉन्स्टिट्यूएंसी क्या है, जो हमारे देश के हेल्थ और साइंस मिनिस्टर है। जल्दी से फटाफट से बताइए। तो एक बार सभी लोग रिफ्रेश कर लेंगे, विशाल एक काम कर दो, यहाँ पर रिफ्रेश लिख दो, रिफ्रेश ऑल, तो सभी लोग रिफ्रेश कर लेंगे। ठीक है, तो यहाँ पर अनुज का मानना है सर दिल्ली में होना चाहिए। तो दिल्ली में हमारी 7 कॉन्स्टिट्यूएंसीज है, 7 संसदीय क्षेत्र है, लेकिन यहाँ पर हर्षदा का मानना है, हर्षल का, उसके बाद से आदर्श का, चंद्रू का, कि सर होना चाहिए चांदनी चौक टू चाइना, चांदनी चौक इज द राइट आंसर। चलते अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। यहाँ पे हर्षल ने सबसे पहले जवाब दिया था, तो इसका नाम तो यहाँ पर बनता ही है। चलते अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अभी आपको बताना है हु हैज अपॉइंटेड द चेयरमैन ऑफ कमेटी ऑफ ड्राफ्टिंग द नेशनल वाटर पॉलिसी। जो हमारे यहाँ पर एक राष्ट्रीय जल नीति बनाई जा रही है, क्योंकि दो हमारे जितने भी स्टेट है उनके बीच में कोई किसी तरीके का डिस्प्यूट ना हो, उसके लिए हमारे यहाँ पर एक कमेटी बनाई जा रही है, उसके अध्यक्ष किसको बनाया गया? डॉक्टर मिहिर शाह, गजेंद्र शेखावत, प्रभाकरन, रविशंकर प्रसाद या संजय मित्रा? क्या होना चाहिए इसका सही जवाब, सभी लोग सोच करके बताइए। और बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, मैं आपको पहले बता रहा हूँ, आज की क्लास अगर आपने मिस कर दी तो जीए में, डीआरडीओ में जो आप 100% क्वेश्चन लाने का एम लेकर के चल रहे हो, वो कहीं ना कहीं आपका स्किप हो जाएगा, क्योंकि चलिए तो यहाँ पर लोगों का मानना है कि सर होना चाहिए गजेंद्र शेखावत, और किसी को कुछ नहीं लग रहा है, क्योंकि आप सभी लोग गलत हो। यहाँ पर सही जवाब है डॉक्टर मिहिर शाह। क्या सही जवाब है? तो डॉक्टर मिहिर शाह इज द राइट आंसर। 11 महीनों में इनको अपनी रिपोर्ट देनी है, इसमें हमारे
जो है वो मेंबर्स के जो हेड बनाए गए हैं वो डॉक्टर मीर शाह है, दैट इज द राइट आंसर। चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। हु विल टेक द न्यू वाइस चीफ ऑफ इंडियन आर्मी इन जनवरी 2020। डीआरडीओ की तैयारी कर रहे हो और इंडियन आर्मी के बारे में नहीं जानते हो तो प्लीज यहाँ पर जान जाओ कि हमारे देश के इंडियन आर्मी के नए वाइस चीफ कौन बनाए गए हैं। जरा सोच करके बताना क्या होना चाहिए सही जवाब। यहाँ पर लोग बोले सर होना चाहिए 3 नंबर, किसी को लग रहा है कि सर 2 नंबर होना चाहिए। एसके सैनी की तरफ ज्यादातर जनता जा रही है, तो अगर हम लोग यहाँ पर बात करें तो सही जवाब क्या है, तो दैट इज यहाँ पर सही जवाब है एसके सैनी। मैंने क्या पूछा था, वाइस चीफ के बारे में पूछा था, लेकिन ज्यादातर लोग हमें चीफ के बारे में बता रहे थे, क्योंकि अगर मैं यहाँ पर जनरल या चीफ के बारे में पूछता तो वो कौन थे, तो उनका नाम था मनोज मुकुंद नरवाना। ये हमारे जनरल है, लेकिन वाइस जो चीफ है उनका नाम है एसके सैनी। याद कर लो, नोट कर लो, क्योंकि ये क्वेश्चन तुम्हारे एग्जाम में पूछा जाएगा, या तो जनरल का नाम या तो हमारे चीफ का नाम। आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्या पूछने वाला है आपको बताना है, हु टुक ओवर द फर्स्ट पुलिस कमिश्नर ऑफ लखनऊ इन जनवरी 2020। हमारा जो लखनऊ है उसको कमिश्नरी बना दिया गया, पहले कानपुर कमिश्नरी था लेकिन अभी लखनऊ को भी कमिश्नरी बना दिया गया, वहां पे कमिश्नर बैठेंगे हमारे यूपी के, तो अभी बताना वो कौन है, दैट इज अलोक सिंह, सुजीत पांडे, विनोद चौबे या के विजय कुमार, राकेश मारिया। देखते हैं कितने लोगों को इसका नाम पता है, इनका नाम पता है और कितने लोग इनसे इंस्पायर भी है। यहाँ पर लोगों को लग रहा है सर 3 नंबर होना चाहिए, 3 नंबर की तरफ जा रहे हैं सर विनोद चौबे। काश विनोद चौबे होते, क्योंकि ये हमारे गांव के हैं, मतलब हमारा जो एरिया है वहीं से ये है, और ये एक आईएएस ऑफिसर है अभी करेंटली, लेकिन जो आईपीएस ऑफिसर हमारे लखनऊ के कमिश्नरी के तौर पर चुने गए हैं उनका नाम है सुजीत कुमार पांडे। उनका नाम क्या है, दैट इज सुजीत कुमार पांडे, और उन्होंने बहुत अच्छी तरीके से हमारा जो सीए वाला जो कॉन्फ्रेंसी हुई थी उसको बहुत अच्छे से टैकल किया है, तो ही सुजीत कुमार पांडे। तो यहाँ पर ये है सही जवाब। चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, और नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे क्या पूछने वाला है अभी आपको बताना है, हु वॉज अपॉइंटेड एज द डायरेक्टर जनरल ऑफ सीआरपीएफ। देखिए यहाँ पर ये क्वेश्चन इसलिए है क्योंकि आप डीआरडीओ में जाने वाले हो, और ये क्वेश्चन अगर छोड़ करके जा रहे हो तो आई थिंक आप अपने लिए एक कुआं खोद रहे थे, और मैं आपको इन सबसे निकालने के लिए यहाँ पर आया हुआ, तो जल्दी से जवाब दीजिए कि महेश्वरी, भावेश कुमार, एस जावेद अहमद या हितेश अवस्थी, अरुण कुमार, जल्दी से बताइए। सीआरपीएफ, सेंट्रल रिजर्व पुलिस, जिसने हमारी इंडिया को जगहों जगहों पर जाकर के, चाहे वो कश्मीर हो या वो हमारा बोल सकते हैं छत्तीसगढ़, झारखंड, हर जगह पे जाकर के किसी भी सिचुएशन में काम करने की क्षमता इनकी होती है, सेंट्रल रिजर्व पुलिस की। उनके जो हेड हैं उनका नाम है हमारे एपी महेश्वरी, ठीक है। ये भी हमारे आईपीएस रैंक के होते हैं, और इनको ये बोल सकते हैं कि पोस्ट दी गई है। ज्यादा बातें इनके बारे में नहीं करेंगे, क्योंकि चलते अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। आपको बताना है कि इनमें से कौन से आरबीआई के डिप्टी गवर्नर की तरीके से अपॉइंट किए गए हैं अभी हाल फिलहाल में, माइकल देवव्रत पात्रा, अमिताभ चौधरी, राणा कपूर, रमेश सोबाती या पीआर सेसेत्री। राणा कपूर का नाम आते ही थोड़ी सी खांसी आ जाती है, जल्दी से बताइए क्या होना चाहिए सही जवाब। तो यहाँ पर लोगों का मानना है कि सर होना चाहिए क्या, तो दैट इज हाँ एपी महेश्वरी बिल्कुल सही है। कुछ लोग 1 नंबर की तरफ जा रहे हैं, कुछ लोग बोल रहे हैं कि सर झाजी, बोल रहे हैं कि सर 1 नंबर होना चाहिए। तो यहाँ पर जैसा कि लोग बोल रहे हैं कि सर 500 व्यूअर्स आपकी क्लास में आते थे, आज दिखाई नहीं दे रहे, तो प्लीज एक बार वीडियो को फटाफट से शेयर कर दो, क्योंकि डीआरडीओ में तो मुझे 500 लोगों से कम पढ़ाने की आदत नहीं है, तो प्लीज एक बार सभी लोग वीडियो को शेयर कर दो, क्योंकि आज की क्लास में हम लोग तहलका मचाने वाले हैं, धूम मचाने वाले हैं, क्योंकि ये है इसका सही जवाब, माइकल देवव्रत पात्रा, जिनको बनाया गया है आरबीआई का चीफ। और अगर हम लोग इनके बारे में बात करें, आप सभी के लिए क्वेश्चन है, बहुत इंपॉर्टेंट है, जो सबसे ज्यादा आजकल टीवी पे दिखाई दिए आरबीआई की तरफ से, हु इज द करंट गवर्नर ऑफ आरबीआई। तो जितने लोग भी हैं सब लोग कमेंट करके बताओ कि आरबीआई के करंट में गवर्नर कौन है, क्योंकि राणा कपूर में मुझे खांसी इसलिए आ गई क्योंकि यस बैंक के चेयरमैन है, और इनको ईडी जो है वो इनके घर से उठा करके लेके गई है, ठीक है। तो जल्दी से बताइए क्या होना चाहिए सही जवाब, हुई था करंट गवर्नर ऑफ हमारे आरबीआई। तो एक बार कंप्यूटर जी की ख्वाहिश को पूरी करिए, वीडियो को शेयर कर दीजिए फटाफट से, अपनी स्टोरी पर लगाइए, आप अपने दोस्तों के साथ शेयर करिए, और फटाफट से शेयर करके जुड़ जाइए हमारे साथ।
तो यहाँ पर लोगों का मानना है कि सर होना चाहिए शक्तिकांत दास, चाहे वो आलोक को एक बार सब लोग कमेंट करेंगे तो उनको याद रहेगा, जिनको नहीं भी पता है सब लोग कमेंट करो शक्तिकांत दास शक्तिकांत दास शक्तिकांत दास, क्योंकि यही है इसका सही जवाब, शक्तिकांत दास इज द राइट आंसर। हमारे आरबीआई के चीफ है, अगर हम लोग बात करें आरबीआई की चीफ आरबीआई की, तो ये हमारा 1 अप्रैल 1935 में बना था एज ए प्राइवेट बॉडी, और इसका नेशनलाइजेशन मतलब सरकारीकरण हुआ था 1 जनवरी 1949 में। तो इसका एस्टेब्लिशमेंट अगर पूछेगा तो ये बोलोगे, अगर ये नेशनलाइज कब हुआ था तो आप इसके ऊपर टिक करोगे, ये हमारे देश का सेंट्रल बैंक है, कॉमर्शियल बैंक नहीं है, ये हमारे देश के सेंट्रल गवर्नमेंट के साथ काम करता है हमारी इकोनॉमी को दुरुस्त करने के लिए, बाकी बैंक को रेगुलेट करने के लिए। चलते अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, क्या पूछने वाला है नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछने वाला है, इन विच इन जनवरी 2020 रॉबर्ट अल्बेरा इज सेट द न्यू पीएम ऑफ विच कंट्री, रॉबर्ट अबेला जो है वो किस देश के प्रधानमंत्री बनने के लिए तैयार हुए हैं, साइप्रस तुर्की लग्जमबर्ग माल्टा मोनैको, क्या होना चाहिए इसका सही जवाब। यहाँ पर देखिए राकेश बता रहे हैं सर फर्स्ट बैंक होना चाहिए बैंक ऑफ हिंदुस्तान, तो यहाँ पर सही जवाब की अगर हम लोग बात करेंगे तो दैट इज माल्टा, माल्टा जिसकी कैपिटल है बेल्टा, ठीक है, इसकी कैपिटल भी बहुत आसान है याद करना, माल्टा की कैपिटल है बेल्टा, इसके नए हमारे पीएम बने हैं रॉबर्ट अबेला। अब देखिए साइप्रस की कैपिटल है निकोसिया, टर्की की कैपिटल है अंकारा, लग्जमबर्ग की कैपिटल है लग्जमबर्ग सिटी, मोनैको की कैपिटल है जिसके नाम की एक बहुत बड़ी कंपनी भी है मोंटो कार्लो, ठीक है, मोंटो कार्लो मोनैको की कैपिटल, और ये सभी के सभी जो है वो यूरोपियन कंट्री है, बेचारे बहुत परेशान है। तो चलते अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, और नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे क्या पूछने वाली है, नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछने वाला है इन जनवरी 2020 हाउ मेनी ज्वाइंट सेक्रेटरीज हैड बीन अपॉइंटेड इन द डिपार्टमेंट ऑफ मिलिट्री अफेयर्स हेड बाय चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ जनरल बिपिन सिंह रावत, आपको बताना है कि कितनी कमेटीज बनाई गई हैं हमारे डिफेंस सेक्रेटरी को लेकर के, देखते हैं कितने लोगों को पता है। याद रखिएगा डिफेंस के अगर कोई भी क्वेश्चन आपके लिए है करंट अफेयर्स में तो डीआरडीओ के लिए वो बहुत इंपॉर्टेंट है। यहां पर हम लोग बात करेंगे तो लोग बोले सर 3 होना चाहिए, लेकिन मैं अगर बताऊं तो यहां पर सिर्फ 2 कमेटीज जो हमारी थी उसके ज्वाइंट सेक्रेटरी जो है वो बनाए गए, तो यहां पर 2 नंबर इज द राइट आंसर, ठीक है। तो आपको ये चीज याद रखनी है, एक हमारी सीडीएस है और एक है हमारी डीएमए, ठीक है, सीडीएस के जो चीफ है उनको उसको खुद जनरल बिपिन सिंह रावत बने थे उस समय, और हमारे जो बाकी की डीएमए है मतलब डिफेंस मिनिस्टर की जो कमेटी उसको हमारी डिफेंस मिनिस्ट्री देख रही थी, डिपार्टमेंट ऑफ मिलिट्री अफेयर्स, ये 2 कमेटी है, एक सीडीएम एक सीडीएस है और दूसरी हमारी क्या तो डिपार्टमेंट ऑफ मिलिट्री अफेयर्स, ठीक है, डीएमए। अब इसके चेयरमैन कौन थे तो खुद बिपिन सिंह रावत और इसके चेयरमैन थी डिफेंस मिनिस्ट्री। अब आपको जल्दी से कमेंट करके बताना है हमारे देश के करंट डिफेंस मिनिस्टर कौन है, हु इज द करंट डिफेंस मिनिस्टर ऑफ इंडिया, जो बताएगा उसका नाम मैं लेने वाला हूं, हु वॉज द करंट डिफेंस मिनिस्टर ऑफ इंडिया, भारत के रक्षा मंत्री कौन है। तो लोग बोल रहे हैं कि अरे चंद्रशेखर इस राजनाथ सिंह, जैसे कि हर्षल बता रहे हैं हर्षल को कोई बीट नहीं कर पा रहा है, अभिनव अभय आरोही दास उसके बाद से प्रणम सोनू अमन ये सभी लोग बता रहे हैं कि सर राजनाथ सिंह होना चाहिए, राजनाथ सिंह इज द राइट आंसर, लखनऊ से जीत करके आए राजनाथ सिंह जो है वो हमारे करंट डिफेंस मिनिस्टर है, दैट इज द राइट आंसर। चलते अपने नेक्स्ट प्रश्न की तरफ, और नेक्स्ट प्रश्न आपसे क्या पूछने वाला है, इन जनवरी 2020 प्रेसिडेंशियल इलेक्शन इन ताइवान, ताइवान में जो हमारा प्रेसिडेंशियल इलेक्शन हुआ था उसको किसने जीता था, हान कू यू से सू बी यन सुंग तेंग इन वेंग सू ते चंग। तो देखिए क्या बन गया, ये कैसा लग रहा है कि हमारे रामायण की कोई चौपाई बन गई है, जल्दी से बता दीजिए क्या लगता है आपको। ताइपे यहाँ की कैपिटल है, ताइवान की कैपिटल जो है वो ताइपे है, और ये हमारी छोटी छोटी इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस जैसे कि आप लोगों का जो पेन ड्राइव है ये बाकी की सभी चीजों को हमारा बनाने का काम करता है। तो फटाफट से 6 लोगों की कमी है 300 में, तो जल्दी से वीडियो को शेयर करो जिससे कि हमारा 300 का जो आंकड़ा है उसको हम लोग टच कर ले।
तो यहाँ पर लोग बोले हैं कि सर होना चाहिए 4 नंबर, टी इंग विंग। अब इसको याद करना कितना इजी है, अगर आपने टी याद कर लिया ताई सी, तो यहाँ पर आप ताइवान से इसको रिलेट कर सकते हैं। चलते हैं अपने नेक्स्ट प्रश्न की तरफ। अभी आपको बताना है पेड्रो सेनेच हैज बीन अपॉइंटेड एज द पीएम ऑफ विच कंट्री। हम अगर पेड्रो की बात करें तो वो किस देश के पीएम बनाए गए हैं, पोलैंड, जर्मनी, स्पेन, फ्रांस या डेनमार्क। जल्दी से कमेंट करके बताओ, वीडियो को शेयर नहीं कर रहे हो यहाँ पर, लेकिन जल्दी से कमेंट करके बताओ कि क्या होना चाहिए इसका सही जवाब। बहुत बढ़िया राहिल सर, राहिल आपने इसको जो शेयर कर दिया, बाकी के लोगों ने शेयर नहीं किया, और जितने लोगों ने शेयर किया है प्लीज क्या करोगे मुझको बताओगे कि कितने लोगों ने शेयर किया। जैसे देखो राहिल ने हमें बताया है कि सर हमने शेयर कर दिया है, तो जल्दी से सब लोग अपनी स्टोरी पर लगाओ, अपने जो है वो अपने जितने भी आपके व्हाट्सअप स्टेटस है, टेलीग्राम है, जहां पर भी शेयर कर सकते हो फटाफट से शेयर करो, क्योंकि वो मुझे आंकड़ा चाहिए जो मैं कभी पढ़ाया करता था, मतलब 500-600 लोग आते थे क्लास में, वो मिसिंग है। क्योंकि आज का जो क्वेश्चन है राहिल, मैं आपको बता दूं कि वो आपके डीआरडीओ में 100% मार्क लेके आने वाला है, क्योंकि यहाँ पर सही जवाब है आपका स्पेन। स्पेन के हमारे पीएम पेड्रो सेनेज, जो कि आजकल बहुत टीवी पर दिखाई देते हैं, स्थिति आप वहां पे बहुत खतरनाक है। पोलैंड की कैपिटल की अगर हम लोग बात करें तो इसकी कैपिटल है वॉर्सो। जर्मनी की कैपिटल की बात करें तो ये है हमारी बर्लिन। फ्रांस की कैपिटल की बात करें तो ये है हमारी पेरिस। और डेनमार्क की कैपिटल की बात करें तो ये है हमारी कोपेनहेगन। तो ये कैपिटल अगर तुमको याद है ना, तो यहाँ से एक मार्क्स तुमसे कोई नहीं छीन सकता है। यूरोपियन कंट्रीज है सारे के सारे, कैपिटल याद कर लेना बहुत इंपॉर्टेंट है। चलते अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, सेशन को शेयर करने के बाद जल्दी से यहाँ पर आ जाओ, ठीक है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अभी आपको बताना है कि हमारे जो हु हैज बीन अपॉइंटेड एज एडवाइजर ऑफ लेफ्टिनेंट जनरल ऑफ यूनियन टेरिटरी ऑफ जम्मू एंड कश्मीर। जल्दी से बताइए उपराज्यपाल के सलाहकार किसको नियुक्त किया गया, देखते हैं कौन बताने वाला है। अब इसके बाद हमारे जितने भी इंपॉर्टेंट अपॉइंटमेंट्स है वो खत्म होकर के हम लोग बुक एंड ऑर्थर के सेक्शन में जाने वाले हैं, तो देखते हैं आपका वो सेक्शन कितना मजबूत है। जल्दी से मुझे बताइए कि क्या होना चाहिए इसका सही जवाब। तो यहाँ पर लोगों का मानना है कि सर होना चाहिए 4 नंबर, कुछ लोगों को लग रहा है कि सर होना चाहिए 2 नंबर। तो यहाँ पर अलग अलग प्रतिक्रियाएं आ रही हैं, लेकिन इसके हम लोग सही जवाब की बात करें तो राजीव राय भटनागर जो है इसका सही जवाब है, ठीक है। तो जल्दी से मुझे ये भी कमेंट करके बता दो कि हमारे जम्मू एंड कश्मीर के नए लेफ्टिनेंट गवर्नर क्यों बने। लेफ्टिनेंट गवर्नर की बात मैं इसलिए कर रहा हूँ क्योंकि ये अब हमारा यूनियन टेरिटरी बन गया है। यूनियन टेरिटरी में गवर्नर नहीं होते, क्या होते हैं, लेफ्टिनेंट गवर्नर। हमारे देश का सबसे बड़ा यूनियन टेरिटरी अब अंडमान एंड निकोबार नहीं है, चेंज हो गया है। वो कौन सा हो गया है, तो वो हो गया जम्मू एंड कश्मीर। और जितने भी हमारे यूनियन टेरिटरीज होते हैं वहां पर होते हैं लेफ्टिनेंट गवर्नर, और यहाँ पर हमारे लेफ्टिनेंट गवर्नर जम्मू कश्मीर के। जल्दी से फटाफट से बताओ, फिर मैं आप लोगों को बुक एंड ऑथर वाले सेक्शन में लेके जाने वाला हूँ, और जो सबसे पहले बताएगा उसका नाम लेंगे। या तो बहुत लोग बोले कि सर उन्होंने शेयर कर दिया है, यहाँ पर जीसी मरामू की तरफ लोग जा रहे हैं कि सर जीसी जी मरामू ग्रीस मरामू होना चाहिए, ठीक है। तो सभी लोग यहाँ पर कमेंट करेंगे क्योंकि ये हमें कमेंट करते हैं तो वो हमको याद रहता है, क्या रहता है, याद रहता है। तो इसलिए सभी लोग यहाँ पर कमेंट करिए फटाफट से, क्योंकि वो आपके लिए है बहुत ही महत्वपूर्ण। चलिए तो मैं आपको उठा करके सीधे ले चलता हूँ बुक एंड ऑर्थर के सेक्शन में, और पहला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर आता है ये, ठीक है। तो अभी आपको बताना है कि बुक न्यू इंडिया सीक्रेट राइटिंग 2014-19 एंड ऑथोरेटिव अकाउंट ऑफ पॉलिसीज डिसीजन मेकिंग बाय पीएम एंड हिज गवर्नमेंट वाज रिटन बाय, ठीक है। 2014 से लेकर के 2019 तक जो इंडिया की जितने भी नीतियां थी उसको एक बुक में लिखा गया जिसका नाम है अ न्यू इंडिया। उसको किसने लिखा है, रघुराम राजन, अरुण जेटली, हमारे अटल बिहारी वाजपेयी या लाल कृष्ण आडवाणी, जरा सोच करके बताइएगा। और ये सारी की सारी हमारे सामने जितनी भी बुक्स आने वाली है, यहां से अगर आपको 2 बुक्स नहीं मिली आपके एग्जाम में, कोई भी एग्जाम देने जाओ, तो आप इस क्लास का जो आप बोल सकते हो कि तुरंत इस क्लास पे वापस आइएगा और डिसलाइक मार दीजिएगा जब भी आप एग्जाम देकर के आओ, क्योंकि यहां से आपको मिलने वाली है। तो सभी लोग इस सेशन को बहुत आराम से देखिएगा, क्योंकि यहाँ पर जैसे ये लोग बता रहे सर 1 नंबर, कुछ लोग बोले सर 2 नंबर होना चाहिए, लेकिन यहाँ पर सही जवाब है अरुण जेटली साहब।
अरुण जेटली साहब हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, और अभी इनको रिसेंटली हमने भारत का दूसरा सर्वोच्च सम्मान दिया है जिसका नाम है पद्म विभूषण, क्योंकि इनकी बोल सकते हैं कि टिश्यू कैंसर की वजह से डेथ हुई अभी हाल में 2019 में, लेकिन इन्होंने इसके पहले ये बुक लिखी थी, हमारे देश के भूतपूर्व फाइनेंस मिनिस्टर थे, बहुत अच्छा इन्होंने काम किया था। तो चलते अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, नेक्स्ट बुक आपसे पूछने वाली है, वापस से मैं आपसे पूछने वाला हूँ, अ प्राइम मिनिस्टर टू रिमेम्बर, ठीक है। तो ये हमारे डिफेंस से रिलेटेड बुक है, क्योंकि डिफेंस डीआरडीओ इज रिलेटेड फ्रॉम डिफेंस, तो ये क्वेश्चन हमारे लिए उतना ही इंपॉर्टेंट हो जाता है जितना कि हमारे लिए सांस लेना जब आप डीआरडीओ का एग्जाम देने जा रहे हो। जल्दी से बताइए क्या होना चाहिए इसका सही जवाब, जनरल विजय कुमार, एडमिरल सुनील लांबा, एडमिरल सुशील कुमार, या एयर चीफ मार्शल बीरेन सिंह धनोहा, सोच करके बताना क्योंकि ये क्वेश्चन आपके एग्जाम में बहुत इंपॉर्टेंट है। फिरोज शाह का, जैसे सज्जन बता रहे हैं सर फिरोज शाह का गोंडा का नाम चेंज कर दिया गया है, तो यहाँ पर लोगों का मानना है सर एडमिरल सुशील कुमार होना चाहिए, एडमिरल सुशील कुमार की तरफ लोग जा रहे हैं, यहाँ पे सही जवाब है सुशील कुमार। चलते नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, अभी आपको बताना है कि हु इज द राइटर ऑफ बुक ऑफ पॉलिटिक्स फॉर ऑप्टिमिज्म विच इज रिलीज इन दिसंबर 2019। एक बुक लिखी गई थी पॉलिटिक्स जो है उसमें बहुत सारी अपॉर्चुनिटीज हैं, उसके लेखक कौन थे, जितेंद्र प्रसाद, प्रमोद त्रिवेदी, आरपीएन सिंह या ज्योतिरादित्य सिंधिया। जल्दी से बताइए क्या होना चाहिए इसका सही जवाब, क्या लगता है आपको। तो यहाँ पर लोगों को लग रहा है कि सर होना चाहिए दो नंबर, कुछ लोगों को लग रहा है कि सर तीन नंबर होना चाहिए। तो अगर हम लोग बात करें तो हमारे देश के एक बहुत ही प्रख्यात हो सकते हैं कि नेता हैं जिन्होंने स्टेट और सेंटर के बीच में एक संपत्ति को कैसे बांटा जाए उसके लिए एक बुक लिखी थी जिसका नाम था पॉलिटिक्स पॉलिटी ऑफ अपॉर्चुनिज्म, जिसको लिखा है हमारे ऑप्शन नंबर थर्ड, जिनका नाम है आर पी एन सिंह, बहुत इंपॉर्टेंट है। जब सेंटर और स्टेट के बीच की बात आती है तो मेरे दिमाग में क्वेश्चन बनता है, ये हमारा सेंटर गवर्नमेंट है और इसमें बहुत सारे स्टेट हैं, तो वो कौन सा ऐसा ऑर्गेनाइजेशन है जो सेंटर और स्टेट के बीच में बंटवारा करता है, किसका, फंड का बंटवारा करता है सेंटर और स्टेट के बीच में, जो बताएगा उसका नाम मैं क्या करूंगा यहां पर स्वर्ण अक्षरों में लिखूंगा इस बॉक्स के अंदर, सेंटर और स्टेट के बीच में फंड का बंटवारा कौन कर रहा है, देखते हैं कितने लोग बताने वाले हैं, सोच करके बताइएगा। जितने लोगों ने मेरी पॉलिटी की क्लास की होगी उनको सबको पता होगा कि सेंटर और स्टेट के बीच में ये हमारा ऑर्गेनाइजेशन है जो फंड का बंटवारा करता है, बहुत आराम से बताइए। देखो मैं आपको बताता हूँ, दीपक ने एक बहुत अच्छा क्वेश्चन पूछा है कि हमारा दिल्ली जो है वो एक यूनियन टेरिटरी है लेकिन वहां पर सीएम क्यों होता है, तो हमारा दिल्ली, जम्मू कश्मीर और पांडिचेरी, ये तीन ऐसे हमारे बोल सकते हैं कि यूनियन टेरिटरी है जहां पर सीएम होंगे, यहाँ पर लेजिस्लेचर होगी, ये तीन है, ठीक है, ये हमारे बोल सकते हैं अमेंडमेंट नंबर 69 में बताया गया, तो ये तीन स्टेट आपको याद, ये तीन यूनियन टेरिटरीज याद रखनी है। यहाँ पर लोग बोल रहे हैं सर सेबी होना चाहिए, कुछ लोग कैग बोल रहे हैं, भाई साहब मैं अगर आपको बता दूं सही जवाब एक लोग तो यहाँ पर कृष्णा साहब बता रहे हैं कि सर फाइनेंस कमीशन होना चाहिए, तो मैं उनका नाम यहाँ पर लिख रहा हूँ, पूरा नाम तो उनका काफी बड़ा है, तो कृष्णा का मैंने यहाँ पर नाम लिख दिया, क्योंकि अद्भुत भी बता रहे हैं आंसू की सर होना चाहिए क्या, तो वो फाइनेंस कमीशन की तरफ जा रहे हैं, आर्टिकल नंबर 280 हमें बताता है कि हमारे देश में फाइनेंस कमीशन होगा जो हमारे देश में फंड का डिस्ट्रीब्यूशन करेगा स्टेट और सेंटर के बीच में, जिसका कार्यकाल 5 साल का होगा, जिसकी अपॉइंटमेंट प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया करेगा। हमारे देश में अभी 15वां फाइनेंस कमीशन चल रहा है जिसके हमारे चेयरमैन का नाम है मिस्टर एन के सिंह, ये क्वेश्चन याद कर लो तुम्हारे एग्जाम में आने वाला, मैंने शुरू में ही बोला है जो आज पूरी क्लास कर लेगा उसके जीए में 100% नंबर आने वाले हैं, एक भी नंबर नहीं कटेगा, लेकिन पूरी क्लास करो। चलते अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, अब बहुत सारे लोगों को याद हो गया होगा, ठीक है आरोही, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे क्या पूछने वाला है, क्योंकि इसका सही जवाब था आरपीएन सिंह। अभी आपको बताना है हु इज द ऑथर ऑफ बुक टाइटल ऑफ ड्रीम ऑफ बिलियन, मतलब बहुत लोगों का ड्रीम जिनके ऊपर है, इंडिया एंड ओलंपिक गेम्स, ठीक है, द इंडिया एंड ओलंपिक गेम बुक जो है वो किसने लिखी है, इस बोरिया मजुमदार, हर्षा भोगले, अयाज मेनम या राजदीप सरदेसाई, देखते हैं कितने लोगों को पता है, ये सभी के सभी हमारे कमेंटेटर्स हैं। तो यहाँ पर लोगों का मानना, श्वेता का मानना सर ए होना चाहिए, ठीक है, उसका मानना है कि, उसके बाद लोग बोले सर दो नंबर होना चाहिए, मुझे सिर्फ तीन लोग चाहिए हमारे 300 के आंकड़े को टच करने के लिए, और हमने टच कर लिया 300 का आंकड़ा, तो एक बार सभी के लिए आप लोगों को कॉन्ग्रेचुलेशन है। अब हमारा जो नेक्स्ट टारगेट है वो 500 का, नेक्स्ट
वन आवर में हमें 500 का आंकड़ा टच करना है, क्योंकि यहाँ पर हमारे जो ओलंपिक थे टोक्यो में होने वाले थे उसपे हमें एक बहुत अच्छा प्रदर्शन करना था। इसके लिए हमारे देश की बहुत सारे उम्मीदें थी, लेकिन 2020 का ओलंपिक जापान ने रद्द कर दिया। आप लोग जानते हो रीजन, उसका डिस्कस नहीं करेंगे, लेकिन इस बुक को लिखा है हमारे बोरिया मजूमदार ने। इसका वन नंबर इज द राइट आंसर। चलते अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अभी आपको बताना है ए शॉर्ट हिस्ट्री ऑफ इंडियन रेलवे। इंडियन रेलवे की जो शॉर्ट हिस्ट्री है उसके लेखक कौन है? राजेंद्र बी अकेलकर, नटवर सिंह, नंदन नीलकरी या विजेंद्र रेही? क्या होना चाहिए इसका सही जवाब? शॉर्ट हिस्ट्री ऑफ इंडियन रेलवे, जल्दी से जवाब दीजिए, क्या होना चाहिए इसका सही जवाब? हाँ, जैसे कि हमारे कंप्यूटर जी बोल रहे हैं कि सर आपने जो 500 का टारगेट टच किया हुआ है इस वाली क्लास में, प्लीज सर उसको टच करना है हमें, तो आज आप लोगों के सपोर्ट से वो हम लोग टच कर सकते हैं, क्योंकि यहाँ पर बहुत सारे लोगों ने शेयर कर दिया है। लेकिन जिन लोगों ने शेयर नहीं किया तो प्लीज एक बार मेरे लिए सभी लोग अपनी व्हाट्सएप की स्टोरी पर, टेलीग्राम पर, हर जगह जहां जहां पर जानते हो स्प्रेड कर दो, क्योंकि वो आंकड़ा मैं टच करना चाहता हूँ। आज की क्लास ऐसी है जिसमें आपको डीआरडीओ में 100 में से 100 नंबर मिलने वाले हैं। यहाँ पर अगर हम देखेंगे सही जवाब क्या है, तो दैट इज राजेंद्र बी अकेलकर। यहाँ पर इन्होंने इंडिया की शॉर्ट हिस्ट्री की रेलवे के बारे में बताया। सबसे पहले इंडिया की जो पहली ट्रेन थी वो 1853 में मुंबई के बोरी बंदर स्टेशन से लेकर के थाने तक चली थी। ये चलाया था हमारे लॉर्ड डलहौजी ने। किसने चलाया था? लॉर्ड डलहौजी ने इसको चलाया था। उसके बाद से हमारे इंडियन रेलवे ने पूरे वर्ल्ड में चौथे सबसे बड़ी इंडियन रेलवे है, पूरे इसका नेटवर्क सबसे बड़ा है। और अगर हम लोग इलेक्ट्रिफिकेशन की बात करें तो पूरे वर्ल्ड में हम लोग दूसरे नंबर पे आ जाते हैं। तो इस तरीके से हमारी इंडियन रेलवे जो कि युद्धकालीन स्थिति में भी रद्द नहीं हुई, लेकिन कोरोना वायरस ने उसके पहियों की स्पीड को थाम दिया है। तो ये चीजें आपको याद रखना है। अभी विशाल ने देखो शेयर कर दिया है, उसने कई जगहों पर शेयर किया है, तो प्लीज आप लोग भी शेयर करो, और शेयर करने के बाद जल्दी से फटाक से आ जाओ, क्योंकि आज का सेशन हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है। शेयर करो, फटाक से आ जाओ। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अभी आपको बताना है हु अमंग द फॉलोइंग बुक्स हैज बीन ऑथर्ड बाई बिल गेट्स। आपको बताना है कि बिल गेट्स ने इनमें से कौन सी बुक लिखी है? हमारे माइक्रोसॉफ्ट के जनक, माइक्रोसॉफ्ट जिसने आज हम सबको जोड़ रखा है एक दूसरे से, उसके जनक ने कौन सी बुक लिखी है, जल्दी से बताइए। और अभी हाल में उन्होंने नरेंद्र मोदी जी की तारीफ भी की है कि कोरोना से सबसे अच्छी तरीके से लड़ रहे हैं। जल्दी से बताइए कौन सी बुक उन्होंने लिखी थी, देखते हैं कितने लोगों को पता है। तो जितने लोग भी शेयर कर दे रहे हैं वो लोग लिखेंगे हौसला बुलंद है, हैशटैग हौसला बुलंद है। जितने लोग भी इस वीडियो को शेयर कर रहे हैं वो लोग लिखेंगे हैशटैग हौसला बुलंद है, HBD लिख सकते हैं, हौसला बुलंद है जितने लोग शेयर कर रहे हैं, क्योंकि हमें जो है वो आंकड़ा टच करना है और आप लोग उसको कर सकते हो। यहाँ पर लोगों का मानना है कि सर होना चाहिए 4 नंबर की तरफ लोग जा रहे हैं, कुछ लोग 2 नंबर की तरफ जा रहे हैं। लेकिन जो बिल गेट्स ने बताया था कि हमारे यहाँ पर क्लाइमेट जो है वो चेंज हो रहा है और उसको मैनेज करने की सारी बातें उन्होंने लिखी थी, इट्स 4 नंबर हाउ टू अवॉइड क्लाइमेट डिजास्टर, कैसे हम लोग क्लाइमेट चेंज को कंट्रोल कर सकते हैं इसके बारे में बताया था। सभी लोग बोलेंगे क्या इट्स 4 नंबर। तो सबसे पहले मार्वलस ने बोला है कि हौसला बुलंद है, हौसला बुलंद है, तो सभी लोगों का हौसला बुलंद है, आज पूरी क्लास में हौसला बुलंद रहना चाहिए। आपको बताना है हु अमंग द फॉलोइंग हैज लॉन्च्ड द ऑटोबायोग्राफी ऑफ माइंड मास्टर, नॉट मास्टर ब्लास्टर, हिज माइंड ब्लास्टर, जिन्होंने सबसे पहले 1991 में हमारे सबसे बड़ा पुरस्कार को जीता था राजीव गांधी खेल रत्न, उसके बाद से इनको पद्म विभूषण से लेकर के सारे अवार्ड दिए गए, लोग इनको डिमांड कर रहे हैं कि भारत रत्न भी दिया जाए। क्या नाम है, कौन है हमारे देश के माइंड मास्टर, जल्दी से बताइए। और ये क्वेश्चन आई थिंक हमारे लिए भी काफी इंपॉर्टेंट हो जाता है, इनको याद करना जब भी उनका नाम आता है, जब भी वो हमें टॉप सीट में उन्होंने पहुंचाया था। क्या होना चाहिए सही जवाब, तो लोग बोले सर होना चाहिए 4 नंबर, मतलब हमारा विश्वनाथन आनंद यहाँ पर सही होना चाहिए। रसिया के जितने भी चैंपियन थे उनको बार बार धूल चटा करके बताया था कि चेस के जनक हम थे और चेस में हमसे आगे कोई नहीं निकल सकता। चलते नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। आपको बताना है द वंडर दैट वॉज इंडिया, ये किसने बुक लिखी थी कि ये इंडिया है? मैं आज बहुत आश्चर्यचकित हूँ कि ये इंडिया है। जवाहरलाल नेहरू, SL भस्म, EM फॉस्टर या सुभाष चंद्र बोस, क्या होना चाहिए इसका सही जवाब? तो यहाँ पर लोगों का मानना है सर सुभाष चंद्र बोस होना चाहिए, यहाँ पर कुछ लोगों का मानना है सर होना चाहिए 2 नंबर। यहाँ पर अगर हम सही जवाब की बात करें तो AL भस्म इज द राइट आंसर। वंडर ऑफ इंडिया बुक तब लिखी गई थी जब हमारे देश के कुछ 23 साल के नौजवानों को फांसी पर चढ़ाया जा रहा था और वो हंसते हंसते फांसी पर चढ़ रहे थे। तो यहाँ पर लोगों ने बोला
द वंडर दैट वॉज इंडिया, ये ऐसा भारत है जहाँ के लोग हंसते हंसते फांसी पर चढ़ जाते हैं अपने देश के लिए। ऐसे देश को रिप्रेजेंट करने का मौका मिला हमारे एएल बस्म को। और भी बहुत सारी बातें करेंगे इससे रिलेटेड, लेकिन नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने आ रहा है कि आपको बताना है कि कालेश्वरम प्रोजेक्ट तेलंगाना में एक रथ का एक बनाया जा रहा है, उस प्रोजेक्ट का नाम है कालेश्वर, उसका बुक किसने लिखी है? कालेश्वरम प्रोजेक्ट जिसको रथ के लेकर के सारी चीजें बनाई जा रही है, उस बुक को किसने लिखा है? श्रीधर देश पांडे, शिवशंकर नरेला या केतु विश्वनाथ रेड्डी? जरा सोच करके बताइए क्या होना चाहिए सही जवाब। जिस तरीके से तेलंगाना रथ पे बैठ करके तेजी से प्रोग्रेस कर रहा है उसके ऊपर बुक लिखी गई है जिसका नाम है कालेश्वर प्रोजेक्ट। तो जल्दी से जवाब दीजिए क्या होना चाहिए इसका सही जवाब। अमित बोल रहे हैं कि सर होना चाहिए एक नंबर, लेकिन वो कंफ्यूजन में है। हर्षल को लग रहा है सर एनवी राव होना चाहिए 100%, लेकिन अगर हम लोग इसके सही जवाब की बात करेंगे तो दैट इज श्रीधर दे राव पांडे। प्लीज सारे लोगों को ये कमेंट करना है, याद करने का सबसे अच्छा तरीका है कमेंट मार दो। कमेंट मारेंगे तो हमको जिंदगी भर याद रहेगा, और उसके बाद पीडीएफ तो तुमको मिलने ही वाली है। पीडीएफ आपको मिलेगी, उसको डाउनलोड करना और उसका इस्तेमाल करना अपने बाकी हो सकते हैं रिवीजन करने के लिए। चलते अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। आपको बताना है वन इंडियन गर्ल, जितने लोग एफ कैट की तैयारी कर रहे होंगे तो एफ कैट क्योंकि आपका वापस से डिफेंस का एग्जाम होता है उसमें 2020 फरवरी में यही क्वेश्चन एग्जैक्ट आया था। वन इंडियन गर्ल के लेखक कौन है? अमित चौधरी, चेतन भगत, विक्रम चंद्रा या विक्रम सेठ? क्या होना चाहिए सही जवाब? और मैं आपको हिंट देता हूं, ये हमारे देश के एक आईआईटीयन थे जिन्होंने आईआईटी की तैयारी करने के बाद जो है अपने करियर को एज ए राइटर की तरह चुना। तो देखते हैं कितने लोगों को पता है हाफ गर्लफ्रेंड, 5.1, बहुत सारी प्रख्यात बुकों को लिखने वाले ये राइटर थे जैसा कि लोग बता रहे हैं। सर अब तो मुझे लग रहा है कि चेतन भगत होना चाहिए। तो दैट इज चेतन भगत, यूथ की जो बोल सकते हैं दिलों की धड़कन है वो है चेतन भगत। अभी आपको बताना है कि द पीपल्स प्रेसिडेंट, जब भी हमारे प्रेसिडेंट का नाम होता है तो मेरे दिमाग में और दिल पर एक ही नाम आता है, वो है हमारे एपीजे अब्दुल कलाम। आपको बताना है उस एपीजे अब्दुल कलाम के ऊपर बुक लिखी गई है वो किसने लिखी है? तरुण विजय, सुमित्रा महाजन, केसी पंत, एसएम खान? क्या होना चाहिए सही जवाब? ठीक है, जल्दी से बताइए क्या होना चाहिए सही जवाब। लोग बोले सर होना चाहिए दो नंबर सुमित्रा नंदन पंत, लेकिन यहां पर लगता है लोग पिछले क्वेश्चन का ही अभी जवाब दे रहे हैं। यहां पर लोग बोल रहे हैं सर होना चाहिए सुमित्रा महाजन, लेकिन सही जवाब जो है दैट इज एसएम खान। एसएम खान जो है यहां पर सही जवाब है। चलते अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अभी आपको बताना है हु इज द ऑथर ऑफ बुक व्हाई आई एम हिंदू इज पब्लिश्ड बाय, मैं क्यों हिंदू हूं इसके ऊपर ये जो बुक है वो किसने लिखी है? शशि थरूर, मनमोहन सिंह, अर्णव गोस्वामी, वेंकैया नायडू? आजकल काफी इन सभी चीजों के ऊपर डिस्कशन हो रहा है, लेकिन इनको लग रहा था कि मैं हिंदू क्यों हूं और उन्होंने इसके ऊपर एक बुक लिख दी। देखते हैं वो कौन है। ठीक है, और जिनके बारे में आपको मैं, अगर आप मेरी क्लासेस देखते हो, मेरा एक दिली तमन्ना है कि शशि थरूर के ऊपर, मनमोहन सिंह के ऊपर, अर्णव गोस्वामी के ऊपर, वेंकैया नायडू के ऊपर, मतलब इनमें से किन्हीं एक के ऊपर एक मैं मूवी बनाना चाहता हूं। तो जल्दी से बताइए क्या होना चाहिए इसका सही जवाब। ठीक है, तो यहां पर सही जवाब है जिनको बुलाते तो हैं लेकिन क्या नहीं करने का, जाने का नहीं। यहां पर सही जवाब है शशि थरूर, बुलाते हैं पर जाने का नहीं। बहुत खतरनाक इंसान है जिनके ऊपर मैं मूवी बनाना चाहता हूं और जिसके एक्टर के लिए जो लोग ऑडिशन देना चाहते हैं कि शशि थरूर के जो मैं मूवी बनाने वाला हूं, ठीक है, उसके लिए लोग जो ऑडिशन देना चाहते हैं वो प्लीज अपना नाम कमेंट में लिख दें। हैशटैग हौसला बुलंद है, क्या लिखेंगे? हैशटैग हौसला बुलंद है और उसके बाद अपना नाम लिखेंगे, तो मैं उन सभी को ऑडिशन लूंगा और अपने नेक्स्ट वीडियो में उनको जो है वो पार्टिसिपेट करने का मौका दूंगा। चलते अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अभी आपको बताना है कि रिलीज ए 20 पेज बुकलेट फ्रॉम उत्पन्न टू स्प्राउट दाल पराठा। आपको बताना है इस बुक का विमोचन किसने किया था, मतलब हमें हेल्दी खाना खाना चाहिए ये किसने बताया था? यूनेस्को ने, WHO ने, PATS ने या यूनिसेफ ने? क्या होना चाहिए इसका सही जवाब? देखते हैं कितने लोगों को पता है। तो यहाँ पर लोगों को लग रहा है कि सर होना चाहिए क्या? हाँ, हौसला बुलंद है, चैट बॉक्स में क्या करोगे? कमेंट बॉक्स में, ये चैट बॉक्स है, आप सभी को कमेंट करना है। कहाँ पर? तो कमेंट बॉक्स में। तो यहाँ पे सही जवाब क्या है? तो दैट इज यूनिसेफ। यूनिसेफ जो कि हमारा एक बच्चों को बोल सकते हैं, बच्चों को किस तरीके से प्रोत्साहित करना है, उनके निरसन का सब कुछ का ख्याल रखना है, उसने इस बुक का विमोचन किया था। हेडक्वार्टर आप सभी को पता होना चाहिए जो इस वक्त कोरोना का सबसे बड़ा हॉटस्पॉट बना हुआ है, दैट इज न्यूयॉर्क। न्यूयॉर्क इसका हेडक्वार्टर है।
ये भी चीजें आपको याद रखना है। यूनेस्को की अगर हम लोग बात करें तो इसका हेडक्वार्टर पेरिस में है, WHO का हेडक्वार्टर जिनेवा में है, तो ये भी चीजें आपको याद रखनी है। चलते अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। फॉर्मर चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया रंजन गोगोई, जिन्होंने अभी राज्यसभा का बोल सकते हैं कि शपथ ली है, आपको बताना उन्होंने कौन सी बुक रूल ऑफ लॉ क्या होना चाहिए इसका सही जवाब। देखते हैं कितने लोगों को पता है, लेकिन जब तक आप इस क्वेश्चन का जवाब दो, मैं आप लोगों को कुछ चीजें बताना चाहता हूं। अभी डिफेंस में जाने के लिए हमारे पास एक बहुत अच्छा सा कोर्स है जो आप ज्वाइन कर सकते हो, वो उस कोर्स का नाम मैं आपको बताना चाहता हूं। तो सबसे पहले मैं आपको बताऊंगा कि अगर आप 4 महीने का टेस्ट पास लेते हो तो आपको एक बहुत ही नॉमिनल कीमत पे पढ़ने वाला है। उसके बाद से अगर हम लोग देखें तो आज DRDO का महायुद्ध चल रहा है जो कि 6 घंटे का, इसमें बहुत सारे हमारे क्वेश्चन कराए जाएंगे। उसके बाद से अगर हम लोग बात करें, ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज मैं आप सभी को बताना चाहता हूं कि स्कॉलरशिप टेस्ट अगर आप देते हो RRB NTPC की जो 7 से लेकर 8 बजे तक सैटरडे को होने वाला है 2 मई को, अगर आप प्रिपेयर हो तो आपको NTPC की फ्री कोचिंग मिलेगी जिसमें आपको बहुत सारी सुविधाएं मिलने वाली है, लेकिन शुरू के 25 बच्चों को। तो ये मौका 25 बच्चों को मिलने वाला है बिल्कुल फ्री, जिसका आप लोग कॉस्ट दे सकते हो कितना है, तो लाइव क्लास है। और साथ ही साथ अगर मैं बताऊं, आप FCAT की तैयारी कर रहे हो, FCAT में जाना चाहते हो, तो आप इस कोचिंग को ज्वाइन करिए, FCAT लाइव कोचिंग, जिसमें आपको ये सारी चीजें मिलने वाली है। इन सब का जो डिस्क्रिप्शन है वो हमने अपने डिस्क्रिप्शन में दे रखा है, पूरा का पूरा जितने भी आपका URL है सब पढ़ा होगा, आप इसको देखिएगा। तो चलते हैं वापस से अपने हमारे बोल सकते हैं कि इस बुक की तरफ। तो यहाँ पर कोर्ट ऑफ इंडिया पास्ट टू प्रेजेंट, ये बुक जो है ये रंजन गोगोई ने लिखी थी, जो कि हमारे भारत के भूतपूर्व बोल सकते हैं कि चीफ जस्टिस थे। ठीक है, चलिए अब यहाँ पर क्वेश्चन फिर से है बॉक्स वाला क्वेश्चन। बॉक्स में अपना नाम लिखाने का सुनहरा मौका है और आपको बताना है हमारे देश के करेंट चीफ जस्टिस कौन है। करेंट चीफ जस्टिस का नाम बताओ, इनाम पाओ। करेंट चीफ जस्टिस कौन है, देखते हैं कौन बताने वाला है कि करंट चीफ जस्टिस कौन है। यहाँ पर अनुराग बोल रहे हैं सर SSC MTS का जितने लोगों को जो जो बैच पढ़ना है वो हमारे 100 से ज्यादा कोर्सेज हैं, आप जाकर के उस पे टेक्स्ट बुक पे जाके इनरोल करो, वहां पे आपको सारे कोर्सेज मिलने वाले हैं। तो यहाँ पर मैं देख रहा हूँ कौन करंट चीफ जस्टिस का नाम बताने वाला है। तो यहाँ पर सबसे पहले बताया है आज के जो हमारे चैंपियन है जिनका नाम वापस से लिखा जा रहा है, दैट इज हर्षल SA बोबड़े। SA बोबड़े इज द राइट आंसर। इसके बाद से बहुत सारे लोग बता रहे हैं, चाहे वो मिश्रा जी हो, साइक हो, मधु हो, ये सभी लोग बता रहे हैं कि सर होना चाहिए SK बोबड़े। तो साइक बिल्कुल तुमने सही बताया है, सुजीत, तरुण, सभी लोगों ने सही बताया है, राजीव रंजन, उन्होंने सबने सही बताया। चलते अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अभी आपको बताना है द ऑडिसिटी ऑफ हो के लेखक कौन है। इट्स TS एलियट, जॉन स्टेनबेक, बराक ओबामा, अर्नेस्ट हेमिंग्वे। क्या होना चाहिए इसका सही जवाब, ऑडिसिटी ऑफ हो, जल्दी से बताइए, देखते हैं कितने लोग बताने वाले हैं। ऐसे बोबड़े बिल्कुल सही है, जितने लोग बता रहे हैं, मिश्रा जी बिल्कुल सही है, ओम प्रकाश। तो अगर हम लोग बात करें यहां पर क्या होना चाहिए, यहां पर हमारे कंप्यूटर जी भी कुछ फॉर्म की बात कर रहे हैं, आप उसको क्या कर सकते हो, भर सकते हो। तो यहाँ पे अगर हम सही जवाब की बात करें तो हमारे बराक ओबामा, जो कि हमारे किसके पहले हमारे ब्लैक प्रेसिडेंट थे, किसके, तो अमेरिका के, उन्होंने इसकी शुरुआत की थी ऑडिसिटी ऑफ होप की। चलते अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। आपसे क्या पूछने वाला है, हमारे देश के पहले ऐसे व्यक्ति जिन्होंने मैन बुकर प्राइज जीता था 2008 में, उन्होंने एक बुक लिखी थी जिसका नाम है व्हाइट टाइगर, उस बुक के लेखक कौन थे, अमिताभ घोष, अरुंधति राय, अरविंद अडिगा या विक्रम सेठ। क्या होना चाहिए सही जवाब, देखते हैं कितने लोगों को पता है और जल्दी से बताइए क्या होना चाहिए, किसने जीता है बुक व्हाइट टाइगर लिख करके। ये नॉवेल बहुत अच्छी है, मैंने पढ़ी है, एक कैसे रिक्शे वाला एक बहुत बड़ा आदमी बन जाता है, एक व्हाइट टाइगर बन जाता है। बेटा जल्दी से कमेंट करो, तुम्हारा खाली यही सब आता है, अभी तुमने हमसे कमेंट बोला था, वादा किया था कि सर पढ़ाई के अलावा कोई भी बातें नहीं करेंगे, और तुम हर एक क्लास में जाकर के उल्टी सीधी बातें करते हो, सिर्फ पढ़ाई की बातें होंगी और जो मैं आपसे बोलूंगा वो आपको बताना है। यहाँ पर देखेंगे तो अरविंद अडिगा इज द राइट आंसर, अरविंद अडिगा यहाँ पे सही जवाब है। चलते अपने नेक्स्ट प्रश्न की तरफ। आपसे पूछने वाला है हु अमंग द फॉलोइंग वन द मैन बुकर प्राइज 2018 फॉर नोबेल मिल्कमैन, मिल्कमैन के लिए 2018 में बुकर प्राइज किसने जीता था, देखते हैं कितने लोग बताने वाले हैं, जल्दी से कमेंट करके बताइए, फिर हम लोग अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलेंगे।
चलिए, तो यहाँ पर लोगों को लग रहा है कि सर होना चाहिए 3 नंबर, कुछ को लग रहा है कि सर 4 नंबर होना चाहिए, अलग अलग जवाब आ रहा है। लेकिन अगर हम लोग सही जवाब की बात करें तो दैट इज अन्ना बर्न्स, अन्ना बर्न्स ने जीता था। लेकिन हमारे लिए इम्पोर्टेंट 2018 है, लेकिन उससे कहीं ज्यादा इम्पोर्टेंट 2019 है, जिसमें हमारा एक बुक था जिसका नाम था आपका टेस्टामेंट्स। ठीक है, टेस्टामेंट्स बुक के लिए किसको आपका 2019 में बुकर प्राइज मिला है। ये टेस्टामेंट एक नॉवेल है और इसको किसने लिखा है जिसकी वजह से उनको बुकर प्राइज मिला, देखते हैं कौन बताने वाला है, क्योंकि ये क्वेश्चन आपके लिए ज्यादा इंपॉर्टेंट है। जल्दी से बताइए, देखते हैं कौन है जिसको पता है। तो सही जवाब की अगर हम लोग बात करेंगे तो यहां पर जैसे कि डिमांड आ रही है हमारे कंप्यूटर जी की, हमने 300 का आंकड़ा तो टच कर लिया, हमें 500 का आंकड़ा टच करना है। यहाँ पर लोग बोल रहे हैं सर क्या नोची ओलगा टस्कर, ओलगा टस्कर की तरफ लोग जा रहे हैं। लेकिन सही जवाब है, मैंने बुकर प्राइज पूछा था तो बुकर प्राइज में हमने नोबेल के बारे में नहीं पूछा था, तो यहाँ पर अभी सही जवाब नहीं आया है। इसका सही जवाब है मार्गेट एटवुड, क्या नाम है, तो दैट इज मार्गेट एटवुड। ये राइटर थे जिन्होंने टेस्टामेंट्स नाम की एक नॉवेल लिखी और इस साल का बुकर प्राइज जीता है। चलते अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अभी आपको बताना है कैपिटल एंड ग्रोथ जो नाम की बुक है वो किसने लिखी थी। ठीक है, लिखी थी ऐसा ए आर रेडान, केनेथ एरो, एडम स्मिथ या जॉन हिक्स, क्या होना चाहिए इसका सही जवाब। कैपिटल एंड ग्रोथ नाम की बुक किसने लिखी, जल्दी से जवाब दीजिए, देखते हैं कितने लोगों को पता है। ठीक है, एटवुड बिल्कुल सही जवाब है, जितने लोग मार्केट बता रहे हैं वो बिल्कुल सही जवाब है। रूपल बिल्कुल सही है, रूपल तुम्हारा जवाब बिल्कुल सही था, मैंने देखा तुम्हारा जवाब। तो लोग बोले सर होना चाहिए 4 नंबर, 4 नंबर की तरफ, कुछ लोगों को 3 नंबर लग रहा है, लेकिन जनता जो है जो ज्यादातर 4 नंबर की तरफ जा रही है। इट मीन्स जो हमारी इस बुक के रचयिता है उनका नाम क्या है, तो दैट्स जॉन हिक्स। जॉन हिक्स ने कैपिटल और ग्रोथ, कैसे कैपिटल किसी भी कंट्री की ग्रोथ का कारण बनता है, इनको जॉन हिक्स एक इकोनॉमिस्ट हुए, उन्होंने इसके बारे में बताया था। तो यहाँ पर 4th नंबर इज द राइट आंसर। चलते अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। हु इज द ऑथर ऑफ बुक द टेक विस्पर, टेक विस्पर नाम के पुस्तक के लेखक कौन थे। करण सिंह, नरेश चंद्र, जसप्रीत बिंद्रा, छोटा मान सिंह। तो जल्दी से जवाब दीजिए क्या होना चाहिए इसका सही जवाब, देखते हैं कितने लोगों को मारा। टेक विस्पर मतलब आपको अगर ये बुक जो है, अगर आप कोई टेक्नोलॉजी से रिलेटेड स्टार्टअप करना चाहते हो तो आपके लिए बुक बहुत अच्छी है, इंडिया में बहुत ज्यादा इसकी सेल हुई थी। जल्दी से बताने आपको क्या होना चाहिए इसका सही जवाब। देखिए मैं आपको जो बुक्स के नाम आज बता रहा हूं, अगर आपने वो पढ़ लिया तो आपके एग्जाम में ये पूरी तरीके से आपको सपोर्ट करने वाला है। फादर ऑफ इकोनॉमी जैसे विशाल बता रहे, बहुत अच्छी बात विशाल ने बताई है कि आपके होने चाहिए एडम स्मिथ, उसके सुहानी का मानना है, अमन का मानना है, विवेक, मनीष, कैंडी, शिवम, नील सबका मानना है कि सर होना चाहिए दैट इज जसप्रीत बिंद्रा। मैंने आपको हिंट भी दी थी कि जसप्रीत बिंद्रा बुमराह जो है, जिस तरीके से वो यॉर्कर डालते हैं उसी तरीके से जसप्रीत बिंद्रा जो है ये हमारे टेक्निकल की एडवाइस देते हैं। दैट्स द थर्ड नंबर ऑप्शन इज द राइट आंसर। अभी आपको बताना है हु इज द ऑथर ऑफ बुक टाइटल्ड रीसेंट रिगेनिंग इंडियाज इकोनॉमी लेगेसी। तो आपको बताना है कि शीर्षक रीसेंट रिगेनिंग इंडियाज इकोनॉमी लेगेसी पुस्तक के लेखक कौन है, शशि थरूर, सुब्रमण्यम स्वामी, राजदूत सरदेसाई या संबित पात्रा। जल्दी से बताइए क्या होना चाहिए सही जवाब, इसका जवाब वो नहीं है जो आप सोच रहे हो। तो साहिल, देखो साहिल मैं आपको बता रहा हूँ यहाँ से 2 क्वेश्चन मिलने वाले हैं। ठीक है, 2 क्वेश्चन मिलने वाले हैं बुक के ऊपर, और जो हमारी कमजोरी हो कभी उससे हमें भागना नहीं चाहिए। वर्ल्ड कप 2019 की अगर मैं बात करूँ, हमारी सबसे बड़ी कमजोरी थी मिडिल ऑर्डर, और उससे हमारी टीम भागती रही। मिडिल ऑर्डर में हम नहीं करेंगे, हमारे टॉप ऑर्डर अच्छा खेल रहा है उसी से हम पूरा वर्ल्ड कप जीत लेंगे। लेकिन एक खराब दिन आपकी किस्मत बदल सकता है, और वो था वो न्यूजीलैंड का मैच, जिसमें जैसे ही हमारा टॉप ऑर्डर कोलैप्स हुआ, मिडिल ऑर्डर को खेलना था, और वो कमजोरी जो हमने छुपा करके रखी थी वो सेमीफाइनल जैसे एक महत्वपूर्ण मैच में जाकर के खुल के सामने आ गए। तो कभी भी अपनी कमजोरी को हमें क्या करना चाहिए, छुपाना नहीं चाहिए, उससे लड़ करके उससे जवाब दो, उसको सीखो कि ये क्वेश्चन हमारे सामने सर लेकर के आ रहे और बोल रहे कि बहुत इंपॉर्टेंट है, उससे हमें भागना नहीं चाहिए। इसका सही जवाब है हमारे सुब्रमण्यम स्वामी इज द राइट आंसर। चलते अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। आपसे क्या पूछने वाला है, द टारगेट 3 बिलियन, 3 बिलियन इकोनॉमी का टारगेट किस इकोनॉमिस्ट का था या किस प्रेसिडेंट का था, जल्दी से बताइए। प्रणब मुखर्जी,
शंकर दयाल शर्मा, रामनाथ कोविंद या हमारे सबके फेवरेट एपीजे अब्दुल कलाम? जल्दी से जवाब दीजिए, क्या होना चाहिए सही जवाब? जो हमेशा देश के बारे में सोचते थे, देश को कैसे आगे बढ़ाया जाए, वो किसी भी धर्म, किसी भी संप्रदाय और किसी भी जाति को लेकर के आप कभी नहीं सोचे। उनका सिर्फ एक ही मजहब था, देश देश देश। तो ऐसे प्रेसिडेंट का नाम बताइए, क्या होना चाहिए सही जवाब? तो अगर हम लोग देखें तो यहाँ पर कंप्यूटर जी, कुछ बच्चे पूछ रहे हैं, जरा उनको बता दीजिए। यहाँ पर देखा जाए तो हमारे हम सबके फेवरेट, जिनका नाम लेते ही मेरी जो रगों का रफ्तार है वो 72 से सीधे 172 हो जाता है, उनका नाम है एपीजे अब्दुल कलाम, जिन्होंने भी बहुत सारे बुक्स लिखी, विंग्स ऑफ फायर, विंग्स। और जितने लोगों को लगता है कि हमारे देश के जो एपीजे अब्दुल कलाम है सबसे अच्छे प्रेसिडेंट रहे हैं, मिसाइल मैन रहे हैं, तो सभी लोग क्या करेंगे, यहाँ पर जिन लोगों ने लाइक नहीं किया वो लाइक करेंगे, और जो लोग लाइक कर चुके हैं वो क्या करेंगे, वो अपनी बाइसेप्स दिखाएंगे कि सर हमारी बाइसेप्स हमारे अब्दुल कलाम है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, लेकिन सबसे पहले सभी को ये करना है, जितने लोग करेंगे मैं थोड़ी देर का इंतजार करता हूँ और थोड़ा सा पानी पी लेता हूँ जब तक आप लोग ये सारी चीजें बताइए। तो सरफराज कुछ क्वेश्चन पूछ रहे हैं, तो कंप्यूटर जी क्या इनको जो है वो बताइए कि, तो सभी लोग यहाँ पर बाइसेप्स दिखाएंगे, जो लोग लाइक नहीं किए थे वो लाइक करेंगे। चलते अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे क्या पूछने वाला है, अभी आपको बताना है हु अमंग द फॉलोइंग को ऑथर द बुक ऑफ इंडियन फिजिकल फेडरलिज्म अलॉन्ग विथ वाई वी रेड्डी, इनमें से किसने जो हमारी इंडियन फिजिकल फेडरलिज्म है उसका सहलेखन किया है, विमल जालान, रघुराम राजन, जी आर रेड्डी या उर्जित पटेल? ये सारे के सारे हमारे देश के भूतपूर्व गवर्नर हैं रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के, जल्दी से बताइए क्या होना चाहिए इसका सही जवाब। तो यहाँ पर शिवम पांडे बोले हैं सर कट ऑफ कितना जाएगा, तो जिस हिसाब से 1845 पोस्ट हैं उसके लिए 45 लाख फॉर्म आ चुके हैं, तो ये सोचिए कि हमें 100 में से 100 क्वेश्चन सही करने हैं। निगेटिव मार्किंग नहीं है, ये आपके लिए बहुत अच्छा है, साइंस नहीं पूछी जानी है ये बहुत अच्छा है, लेकिन करंट अफेयर्स बहुत झेल के पूछने वाला है, तो इसलिए आप सभी को करंट अफेयर्स पढ़ना है, जो मैं आपको तैयारी करा रहा हूँ उसको तैयारी करिए, क्योंकि यहाँ पे सही जवाब है आपका जी आर रेड्डी इज द राइट आंसर, ठीक है, जी आर रेड्डी यहाँ पर सही जवाब है। हमारे देश के जो गवर्नर है ये सारे गवर्नर है, चाहे वो बिमल जालान हो, रघुराम राजन हो, उर्जित पटेल हो, ठीक है। चलते अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे क्या पूछने वाला है, द बुक टाइटल एवरी वोट्स काउंट, सभी का वोट गिना जाएगा, चाहे आप नोटा में वोट दीजिए, चाहे आप कांग्रेस को, बीजेपी को, किसी को भी वोट दीजिए, लेकिन आपको वोट देना बहुत जरूरी है। किसने लिखा था, जे एम लिंगडो, हामिद अंसारी, नवीन चावला या एस वाई कुरैसी? एग्जाम जैसे ही हमारा ये सिनेरियो खत्म होता है, जैसे कि कंट्रोल अब आना शुरू हो गया है, बहुत सारी वैक्सीन बन रही है, प्लाज्मा थेरेपी चल रही है, तो कोरोना को तो हारना ही है, ठीक है, ज्यादा से ज्यादा 15 दिन के अंदर कोरोना को हम लोग पस्त कर देंगे और उसके बाद से हमारे एग्जाम होना स्टार्ट हो जाएंगे। तो चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पहले जवाब बताएंगे, नवीन चावला जो कि हमारे देश के भूतपूर्व इलेक्शन कमिश्नर थे, उन्होंने इस बुक को लिखा है। चलते अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, क्या पूछने वाला है देखते हैं कि उमन ऑर्थर जोका अधिकारी वन द 2019 बुकर इंटरनेशनल प्राइज फॉर विच ऑफ द फॉलोइंग नॉवेल्स, उमन के लेखक जोका अलाथी, जबकि पहले हमारे बोल सकते हैं कि अंतरराष्ट्रीय मैन बुकर प्राइज, सिर्फ यहां पर मैन बुकर प्राइज मैं नहीं बोल रहा हूं, मैन बुकर प्राइज फॉर इंटरनेशनल, जो कि हमारे पहले बोल सकते हैं ओमान के लेखक थे, उन्होंने कौन सी बुक लिखी है, द ईयर्स मिल्कमैन, सेलेस्टियल बॉडीज, द पाइन ऑफ आइलैंड्स, क्या होना चाहिए इसका सही जवाब, देखते हैं कितने लोगों को पता है, जवाब दीजिए इनाम पाइए। यहाँ पर लोग बोले सर सेलेस्टियल बॉडीज होना चाहिए, सेलेस्टियल बॉडीज होना चाहिए, कुछ नहीं, नॉन ऑफ दीज इज द सेलेस्टियल बॉडीज इज द राइट आंसर, खगोलीय पिंड। अगर मैं आपसे बात करूं सबसे ज्यादा किस ग्रह के पास, कौन सा ऐसा हमारा प्लेनेट है जिसके पास सबसे ज्यादा सैटेलाइट है, जल्दी से जवाब दो, और जो जवाब देगा सबसे पहले जवाब देने वाले 5 लोगों का नाम मैं इस बॉक्स में लिखूंगा और आप लोगों को जवाब दोगे तो आप लोगों को ये याद भेजा, कौन सा ऐसा प्लेनेट है, कौन सी ऐसी सेलेस्टियल बॉडी जिसके पास सबसे ज्यादा सैटेलाइट है, सबसे ज्यादा मून है, जल्दी से जवाब दीजिए। तो यहां पर ग्रेट इंडिया का मानना है कि सर जुपिटर होना चाहिए लेकिन आरोही और हर्षल, बाकी के लोगों का मानना है कि सर सैटर्न होना चाहिए लेकिन आरोही जो कि शुरू से अच्छा कर रही है, और हर्षल, ए एच, इन दोनों ने बिल्कुल सही जवाब दिया है, क्योंकि सैटर्न जो है
वो हमारा एक ऐसा प्लेनेट है जिसके पास 82 सैटेलाइट्स हो चुके हैं, 82 सैटेलाइट हो चुके हैं, लेकिन जो लोग जुपिटर बता रहे हैं उनके लिए एक जरूरी इंफॉर्मेशन है, इसके पास केवल 79 है। सनी, ठीक है, सनी यहाँ पर सही जवाब था, जुपिटर के पास 79 सैटेलाइट है। और सबसे बड़ा सैटेलाइट पूरे हमारे सोलर सिस्टम का जो है उसका नाम आप सभी को पता होना चाहिए, उसका नाम है हमारा गाइनामेड। गाइनामेड जो कि हमारे जुपिटर का नेचुरल सैटेलाइट है, ये पूरे सोलर सिस्टम का सबसे बड़ा सैटेलाइट है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। ऐसी ही कुछ बातों के बारे में उन्होंने लिखा है सेलेस्टियल बॉडीज नाम की बुक में, जो कि मैंने पढ़ी नहीं है, लेकिन इसको इंटरनेशनल बैंक बुकर प्राइज मिल गया है। लेकिन हमारे जो बुकर प्राइज है मैंने अभी आप लोगों को थोड़ी देर पहले बताया था, मार्गरेट एटवुड को मिला। चलते अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अभी आपको बताना है हु इज द ऑथर ऑफ बुक द क्रिकेट वर्ल्ड कप इंडियन चैलेंज, जिसकी बात अभी मैं थोड़ी देर पहले कर रहा था कि हमारे क्रिकेट वर्ल्ड कप जिसमें हमने इंडियन चैलेंज को बताया था कि हमारा जो मिडिल ऑर्डर है वो कोलैप्स होने वाला है, बता दिया था इस बुक के अंदर। किसने लिखी है? हर्षा भोगले, संजय मांजेकर, आशीष राय या नरोत्तम पुरी? जल्दी से जवाब दीजिए, देखते हैं कितने लोग बताने वाले हैं। तो शिवम पांडे ने बोला सर हमने सबसे पहले दिया था, चलो शिवम का नाम भी यहाँ पर लिख देते हैं, शिवम भी बहुत अच्छे से जवाब दे रहा है, बाकी बहुत सारे लोग यहाँ पर अच्छे से जवाब दे रहे हैं। सभी लोगों का क्या है, सभी लोगों का हौसला क्या है, बुलंद है, हौसला बुलंद है। देखो मैं यहाँ पर लिख दे रहा हूँ, सबका हौसला बुलंद है, कोई कोरोना से नहीं डर रहा है, और आप भी हैशटैग लिख सकते हो हौसला बुलंद है। चलते हैं यहाँ पर देखते हैं सही जवाब क्या है। तो आशीष राय ने हमें बता दिया था कि भैया आपका मिडिल ऑर्डर कमजोर है, ध्यान दे लो, नहीं ध्यान देंगे, नहीं ध्यान दिया, उड़ गया। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। आपको बताना है वन सेंचुरी इज नॉट इनफ माई रोलर कोस्टर राइड, मैंने इंडिया को वहां से उठा करके 99 के वर्ल्ड कप के बाद से जब इंडिया पूरी तरीके से फिक्सिंग से फंस गई थी, लग रहा था कि इंडिया क्रिकेट पूरी तरीके से कोलैप्स कर जाएगा, एक हमारे देश में ऐसा कप्तान आता है जो इंडिया को उठा करके वहां पर लेकर जाता है जहां पर वो वर्ल्ड कप जीतने की कगार पे आ जाते हैं, लेकिन फिर उसके बाद से उनको टीम इंडिया से ड्रॉप कर दिया जाता है। ऐसे हमारे देश के महान क्रिकेटर जो कि अभी हमारे देश के बीसीसीआई के चेयरमैन है, उनका नाम क्या, जल्दी से बताइए जिन्होंने इस बुक को लिखा है, जल्दी से कमेंट करेंगे सभी लोग। तो यहाँ पर लोगों का मानना है सर होना चाहिए सौरभ गांगुली, सौरभ गांगुली, सौरभ गांगुली। तो हमारे दादा जो कि हमारे देश के बीसीसीआई चेयरमैन है, और आपको मैंने पूरी कहानी यहाँ पर उनकी बता दी है, तो इज नो अदर देन हिज दादा, ठीक है, सौरभ गांगुली इज द राइट आंसर। चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। आपको बताना हु अमंग द फॉलोइंग हैज डेब्यू नोबेल द इंडिया दिल्ली कॉन्फ्रेंसी कॉन्स्पिरेंसी, निम्नलिखित में से किसने अपना पहला नॉवल द न्यू दिल्ली कॉन्स्पिरेंसी लिखा हुआ है, कैसे नई दिल्ली में कॉन्स्पिरेंसीज चल रही थी उन सबके बारे में बताया, साजिद अलमी, सरोज पांडे, नुपुर शर्मा या मीनाक्षी लेखी, जल्दी से बताइए क्या होना चाहिए सही जवाब। सही जवाब दीजिए क्या होना चाहिए, गांगुली दादा बिल्कुल सही है दादा, बंगाल टाइगर। तो यहां पर लोगों का मानना है, तो हम चाहते हैं कि जो हमारे कंप्यूटर जी हैं वो बच्चों को इसी तरीके से हौसला अफजाई करते रहे, बताते रहें उनके बारे में, क्योंकि मेरे कुछ नाम स्किप हो जा रहे हैं, तो प्लीज आप उनका हौसला अफजाई करते रहिए। तो मीनाक्षी लेखी यहाँ पर सही जवाब आता है, बीजेपी की जो हमारी बोल सकते हैं कि एक बहुत कद्दावर नेता है, उन्होंने बुक लिखी है। चलते अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, चार नंबर बहुत सारे लोग बता रहे हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछने वाला है, द वाइस प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया आर्टिकल नंबर 63 बताता है कि हमारे देश में एक वाइस प्रेसिडेंट होना चाहिए, क्योंकि राज्यसभा का क्या होगा, राज्यसभा का चेयरमैन होगा वेंकैया नायडू। इन्होंने एक बुक लिखी है जिसका नाम है विवेक दीपनी, इट वॉज इनिशियली रिटन बाय, इसको किसने लिखा था शुरू में, रामानुजम, आदि शंकराचार्य, स्वामी विवेकानंद या माधवाचार्य। ये बुक को अभी भी रिलीज किया गया है, विवेक दीपनी, देखते कितने लोग बताने वाले हैं। चलिए तो यहाँ पर दिव्या मांझी का मानना है सर दूसरे क्वेश्चन के ऊपर आते हैं। तो ये क्वेश्चन हमारे बुक एंड ऑर्थर का आज का लास्ट क्वेश्चन था, और अब हम लोग चलते हैं कुछ स्टैटिक पार्ट की तरफ, और वो स्टैटिक पार्ट है आपको चेक करना, जो कि वापस से 100% पूछा जाने वाला है, और वो है हमारे नेशनल पार्क। तो सभी लोग तैयार है नेशनल पार्क के लिए, क्योंकि इस क्वेश्चन का सही जवाब है आदि शंकराचार्य, जिन्होंने हमारे देश में सभी मठों की, जो हमारे चार मठ है आप सभी लोग जानते हो, चारों दिशाओं में हमारे हिंदुओं के जो मठ है उन सबके बारे में इन्होंने लिखा हुआ है। तो आदि शंकराचार्य के बारे में बात करें तो ये हमारे इस बुक के राइटर थे। अब हम लोग चल रहे हैं अपने नेशनल पार्क की तरफ, और पहला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर आ गया है। आपको बताना है कौन सा नेशनल पार्क हमारे बोल सकते हैं कि बीजापुर डिस्ट्रिक्ट छत्तीसगढ़ में है। आपको बताना है कौन सा नेशनल पार्क बीजापुर छत्तीसगढ़ डिस्ट्रिक्ट में है, देखते हैं कितने लोगों को पता है।
ठीक है, तो मैं आपसे सीरियस पूछना चाहूंगा कि छत्तीसगढ़ का जो नेशनल पार्क है उसका नाम क्या है? तो यहां पर लोग बोल रहे हैं कि सर होना चाहिए तीन नंबर, तीन नंबर की तरफ ज्यादातर जनता जो है वो जा रही है। ठीक है, आप लोग जब तक जवाब दीजिए तब तक मैं जरा सारे क्वेश्चन को एक बार सेट कर लेता हूं, 2 मिनट का टाइम दीजिएगा। चलिए, तो इसका अगर हम लोग सही जवाब की बात करें तो जो हमारा ये नेशनल पार्क जो छत्तीसगढ़ में है, ठीक है, ये हमारे यहाँ पर सबसे ज्यादा जो बोल सकते हैं कि एनिमल्स पाए जाते हैं उनका नाम क्या है, तो उनका नाम है हमारे वाइल्ड बफेलोज। वाइल्ड बफेलोज यहाँ पर सबसे ज्यादा पाए जाएंगे, इसलिए जो नेशनल पार्क हमारा छत्तीसगढ़ में है उसका नाम है इंद्रावती नेशनल पार्क, मतलब ऑप्शन नंबर 1 इज द राइट आंसर। जितने लोग 1 नंबर ऑप्शन बता रहे हैं वो पूरी तरीके से सही है। चलते अपने नेक्स्ट क्वेश्चन में, और नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे क्या पूछने वाला है, अभी आपको बताना है कि जो हमारे क्लाउडेड लियोपार्ड नेशनल पार्क है वो आपको कौन से स्टेट में मिलेगा, त्रिपुरा, केरला, सिक्किम या उड़ीसा। देखते हैं कितने लोगों को पता है, सही जवाब बताइए कि क्या होना चाहिए इसका सही जवाब। इंद्रावती इज द राइट आंसर। ठीक है, धूमिल तेंदुओं के लिए कौन सा नेशनल पार्क आपका कौन से स्टेट में पड़ेगा, जल्दी से जवाब दीजिए क्या होना चाहिए इसका सही जवाब। तो यहाँ पर लोग बोल रहे हैं कि सर होना चाहिए क्या, तो एक नंबर की तरफ जा रहे हैं, तो यहाँ पे सही जवाब क्या है, तो दैट इज द इसका सही जवाब है आपका क्या, तो त्रिपुरा इसका सही जवाब था। जो लाउडेड लियोपार्ड नेशनल पार्क है वो त्रिपुरा में है, जिसकी कैपिटल है अगरतला। चलिए हम लोग चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो यहां पर आपको बताना है कि चलिए सतपुड़ा नेशनल पार्क जो है वो आपको कहां पर देखने को मिलेगा, हिमाचल प्रदेश, आंध्र प्रदेश, मध्य प्रदेश या केरला में। थोड़े क्वेश्चन को सेट कर रहा था इसलिए थोड़ा सा मुझे टाइम लगा। आपको बताना है कि सतपुड़ा नेशनल पार्क जो है वो आपको कहां पर देखने को मिलेगा, जल्दी से सोच करके बताइए कि क्या होना चाहिए इसका सही जवाब। सतपुड़ा की पहाड़ियां जो कि हमारे देश का ब्लॉक माउंटेन है, ठीक है, और यहाँ से हमारी कई सारी रिवर्स निकलती हैं, जैसे कि अगर हम बात करें नर्मदा, तापी, ये सारी रिवर्स यहाँ से निकलती हैं। और ये हमारा जो नेशनल पार्क है, ऐसा नेशनल पार्क ऐसे स्टेट में है जो कि हमारे ऑल ओवर इंडिया में सबसे ज्यादा नेशनल पार्क कंटेन करता है, जिसका नाम है हमारा एमपी। चलते अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अभी आपको बताना है नागर होल नेशनल पार्क, नागर होल नेशनल पार्क आपका कहाँ पर स्थित है, आंध्र प्रदेश, कर्नाटक, केरला या उड़ीसा। नागर होल नेशनल पार्क आपका कहां पर देखने को मिलेगा, एपी, कर्नाटक, केरला या उड़ीसा, क्या सही जवाब आपको लगता है? तो यहां पर लोगों को लगता है कि सर होना चाहिए, हाँ एमपी बिल्कुल सही है, सतपुड़ा आपने बताया है। तो अभिषेक का मानना है कि सर साउथ इंडियन हिस्ट्री के ऊपर क्वेश्चन, डीआरडीओ में तो नहीं पूछा जाएगा साउथ इंडियन हिस्ट्री, लेकिन हाँ मैं संडे के ऊपर एक क्लास आप लोगों से कमिटमेंट है मेरा कि करना है और मुझे याद भी है, तो वो है हमारा कर्नाटक, कर्नाटक में आपको देखने को मिलेगा। नेक्स्ट आपको बताना है वानसदा नेशनल पार्क आपको कहां पर मिलेगा, गुजरात, महाराष्ट्र, कर्नाटक या आंध्र प्रदेश। जल्दी जल्दी जवाब देते जाइए, सब लोग कमेंट करेंगे तो आपको याद रहेगा, गलत कमेंट करोगे तब भी आपको याद रहेगा, इसलिए मैं चाहता हूँ सभी लोग इसमें पार्टिसिपेट करें। मैं आपको जितने भी इंपॉर्टेंट नेशनल पार्क है वो याद कराने वाला हूँ। नागर होल नेशनल, वानसदा नेशनल पार्क आपको कहां पर पड़ेगा, तो यहां पर लोग बोल रहे हैं कि सर होना चाहिए 2 नंबर, 2 नंबर की तरफ जा रहे हैं, सर आंध्र प्रदेश होना चाहिए, लेकिन इसका सही कर्नाटक भी बता रहे हैं, आंध्र प्रदेश बता रहे हैं, लेकिन इसके सही जवाब की हम लोग बात करेंगे तो वासंदा नेशनल पार्क या वासना नेशनल पार्क आपका गुजरात में पड़ेगा, सुरेंद्र नगर डिस्ट्रिक्ट में ये नेशनल पार्क पड़ता है। ये आपके हियानास के लिए फेमस है, इसको आप लोग बोलते हो जंगली कुत्ते, हियानास के लिए बहुत फेमस है। चलते अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अभी आपको बताना है राजा जी नेशनल पार्क आपका कहां पर पड़ेगा, तमिलनाडु, उत्तराखंड, कर्नाटक, केरला,
गलत जवाब दो फिर भी आपको जवाब जरूर देना है, क्योंकि अगर आप जवाब दोगे तो आपको ये क्वेश्चंस याद रहेंगे। जल्दी जवाब देते जाओ, और जैसे ही पहला सही जवाब आएगा हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चले जाएंगे। यहाँ पर लोग बोले सर उत्तराखंड होना, यूके की तरफ लोग जा रहे हैं, दो नंबर बोल रहे हैं। कुछ लोगों को लग रहा है कि सर होना चाहिए गुजरात, मतलब लग रहा है पिछले वाले क्वेश्चन के जवाब बता रहे हैं। तो अमित गोयल, एक बार जब आप हिंदी के बाद सारे क्वेश्चन देखोगे तो इंग्लिश में, पहले सारे क्वेश्चन हिंदी में होंगे पीडीएफ में, उसके नीचे सारे इंग्लिश में होंगे जो आज हम क्वेश्चन कर रहे हैं। तो यहाँ पर लोग बोले सर उत्तराखंड होना चाहिए, उत्तराखंड की तरफ लोग जा रहे हैं, तो ये हमारा नेशनल पार्क उत्तराखंड में है, याद रखिएगा उत्तराखंड इज द राइट आंसर। ठीक है, ये हमारे टाइगर रिजर्व के रूप में ज्यादा जाना जाता है, ये आपका उत्तराखंड में हरिद्वार देहरादून पौड़ी गढ़वाल तक फैला हुआ है। चलते अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। आपको बताना है नामदफा नेशनल पार्क जो कि हमारे कौन से स्टेट में पड़ेगा, मेघालय, नागालैंड, अरुणाचल प्रदेश, आसाम। जल्दी से जवाब दीजिए, क्या होना चाहिए सही जवाब, नामदफा नेशनल पार्क। तो यहाँ पर सब लोग जवाब देंगे, क्वेश्चन भूलेगा नहीं, गलत जवाब दोगे फिर भी आपने बोलोगे सर हमने गलत जवाब दिया था, तो आपका काम जो है वो सही हो जाएगा। तो मैं चाहता हूँ कंप्यूटर जी भी थोड़ा सा पार्टिसिपेट करें हमारे वीडियो में और बच्चों को थोड़ा मोटिवेट करते रहें। यहाँ पर कंप्यूटर जी दिखाई नहीं दे रहे हैं। सही जवाब की बात करेंगे तो दैट इज अरुणाचल प्रदेश, जिसकी कैपिटल है ईटानगर। ये हमारा एक ऐसा स्टेट है जहां पर आपको नामदफा नेशनल पार्क मिलेगा, तो थर्ड नंबर इज द राइट आंसर। चलते अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। विच ऑफ द फॉलोइंग नेशनल पार्क इज द ओनली फ्लोटिंग पार्क इन ऑल ओवर द वर्ल्ड। इनमें से कौन सा ऐसा हमारा नेशनल पार्क है जो पूरे वर्ल्ड में फ्लोट करता हुआ है, मतलब एक झील के ऊपर बना हुआ है। जिम कार्बेट, कोबिल लामजो राष्ट्रीय नेशनल पार्क, कालादेव नेशनल पार्क, या आपका वेस्टर्न घाट। देखते हैं कितने लोग बताने वाले हैं। तो फ्लोटिंग नेशनल पार्क की बात करें जो कि हमारे फ्लोटिंग लेक, फ्लोटिंग नेशनल पार्क, अगर जब भी नाम आएगा तो हमारे दिलो दिमाग में सिर्फ एक ही नाम आएगा, वो है मणिपुर। मणिपुर की लोटक लेक जो है ये आपकी फ्लोटिंग लेक है, और वहीं पर एक नेशनल पार्क है जिसका नाम क्या है, तो दैट इज कीपिल लामजो नेशनल पार्क। वो हमारे पूरे ऑल ओवर वर्ल्ड का एकमात्र ऐसा नेशनल पार्क है मणिपुर डिस्ट्रिक्ट का, जो कि फ्लोट करता है। 40 किलोमीटर की इसकी लेंथ है पूरी, ओवरऑल एरिया है, तो ये भी आपको याद रखना है। तो कौन सा, तो कुमजो लामजो नेशनल पार्क मणिपुर में है। मणिपुर आप लोग जानते हो इसकी कैपिटल, सभी लोग, तो जब भी लोग सब लोग कमेंट करेंगे जितने लोग जुड़े हुए, व्हाट इज द कैपिटल ऑफ मणिपुर, क्योंकि यहीं पर एक हमारी लोक है, लेक है जिसका नाम है लोटक लेक, ये भी आपकी फ्लोटिंग लेक है, याद है ना सभी चीजें आपको। चलते अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, जब तक आप लोग कमेंट करते रहिए। और ये भी बताइए कि सर राजा राजबरी नेशनल पार्क इनमें से कौन से स्टेट में पड़ेगा, महाराष्ट्र, छत्तीसगढ़, त्रिपुरा या उत्तराखंड। मेरी टी शर्ट इस पूरी तरीके से पसीने से भीग चुकी है, मैं आपको बताना चाहता हूं, और आप लोग इसी तरीके से क्वेश्चन को पढ़ते रहिए, क्योंकि मैंने आपको शुरू में बताया है कि डीआरडीओ में 100% इनमें से क्वेश्चन फंसने वाले हैं। तो गारंटीड वाला ये जो हमारा सेशन चल रहा है, इसमें लोग बता रहे हैं सर इम्फाल होनी चाहिए, मणिपुर की कैपिटल इम्फाल, इम्फाल, सभी लोग यहाँ पर अच्छे से कमेंट कर रहे हैं। तो अगर हम लोग सही जवाब की बात करें तो यहाँ पर सही जवाब है त्रिपुरा। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे तो नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे क्या पूछने वाला है, नेक्स्ट क्वेश्चन आपको बताना है वेयर इज द केंद्रमुख नेशनल पार्क, कर्नाटक, केरला, तमिलनाडु, उड़ीसा, कहां पर आपका केंद्रमुख नेशनल पार्क पड़ेगा। केंद्रमुख नेशनल पार्क आपको कहां पर देखने को मिलेगा। तो यहाँ पर हम लोग देखें तो केंद्रमुख नेशनल पार्क की बात करेंगे तो ये आपका पड़ेगा कर्नाटक में, कर्नाटक जिसकी कैपिटल है बैंगलोर, वहां पर आपको केंद्रमुख नेशनल पार्क देखने को मिलेगा। चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। आपको बताना है खांग छेदा जोग नेशनल पार्क आपको कहाँ पर देखने को मिला। सोच के बताओगे, तिब्बतियन नाम लग रहा है, तिब्बत के आसपास का एरिया लग रहा है, जल्दी से सोच करके बताओ, महाराष्ट्र, उड़ीसा, राजस्थान या सिक्किम, क्या होना चाहिए इसका सही जवाब। देखते हैं कितने लोग बताने वाले हैं। तो 500 का हमने लाइक का आंकड़ा तो टच कर लिया है, ठीक है, लेकिन 500 व्यूअर्स का आंकड़ा जो है वो जल्दी से टच करने के लिए यहां पर जवाब देना पड़ेगा, सभी लोगों को बने रहना पड़ेगा, ठीक है। तो यहां पर अभी आपको बताना है कि खांग छेद जोगा नेशनल पार्क आपका कहां पर पड़ेगा, तो दैट इज सिक्किम। सिक्किम यहां पर देखिए मैंने नाम से पकड़ा, मुझे याद नहीं था बट मैंने नाम से गेस किया कि यह तिब्बतियन इलाका लग रहा है, हमारे देश का पॉपुलेशन की दृष्टि से सबसे छोटा राज्य जिसकी कैपिटल है गंगटोक, ये हमारे देश का खांग जोधा नेशनल पार्क रखता है। महाराष्ट्र की बात करें, मुंबई,
हमारे बोल सकते हैं कोरोना का पूरी तरीके से हॉटस्पॉट बना पड़ा है। यहाँ पर संजय गांधी नेशनल पार्क है। उड़ीसा की बात करें तो यहाँ पर चिल्का लेक बहुत ज्यादा फेमस है। अगर हम लोग राजस्थान की बात करें तो यहाँ का नेशनल पार्क सबसे फेमस है, उसका नाम है भरतपुर या कालादेव नेशनल पार्क। तो ये चीजें आपको याद रखनी है। चलते अपने नेक्स्ट प्रश्न की तरफ, आपको बताना है पेरियर नेशनल पार्क आपका कहाँ पर पड़ेगा। पेरियर नदी कहाँ पर पड़ेगी जल्दी से बताइए, महाराष्ट्र, कर्नाटक, तमिलनाडु या केरला, देखते हैं कितने लोग बताने वाले हैं। तो यहाँ पर विक्की हमारे साथ जुड़ गए, वो भी कुछ एडिशनल जानकारी दे रहे हैं। तो आप लोग अपनी जो शेयर है जानकारी यहाँ पर करते रहो कि थर्ड हाईएस्ट माउंटेन इन द वर्ल्ड सिक्किम का जो कंचनजंगा है, पीडीएफ अजय आपको मिल जाएगी, परेशान मत हो, क्लास को अटेंड करो अच्छे से। पीडीएफ में सिर्फ आंसर लिखे होंगे, अभी मैं आपको बहुत सारी चीजें बता भी रहा हूँ। तो पेरियर नेशनल पार्क की अगर हम लोग बात करेंगे तो ये आपकी कहां पर होगी, तो दैट इज इन केरला। केरला में आपको पेरियर नेशनल पार्क मिलना पड़ेगा, देखिए मिलेगा। और पेरियर जो है नदी भी यहाँ पर बहती है। अब मैं आपको केरला के सारे नेशनल पार्क याद करना बताता हूँ। जिस भी नेशनल पार्क के पीछे 16 लगा हो, 16 आपने देख लिया तो वो आपका कहाँ पर होगा, केरला में होगा। साइलेंट वैली नेशनल पार्क ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये भी केरला में होगा। तो पेरियर और जिसके पीछे भी 16 लगा हो केरला में होगा, साइलेंट वैली भी केरला में होगा, और सबसे ज्यादा इंटरनेशनल एयरपोर्ट ये भी आपका केरला में ही होगा। ये मैंने आपको कुछ एडिशनल चीजें बता दी, जल्दी से चलते अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अभी आपको बताना है बक्सा नेशनल पार्क आपका कहां पर पाया जाएगा, जहां पर आपको बहुत सारे टाइगर्स देखने को मिलेंगे, बहुत सारे आपको जो बोल सकते हैं शेर देखने को मिलेगा, कहां पर है, उड़ीसा, वेस्ट बंगाल, मध्य प्रदेश और बिहार। जब भी मेरे दिमाग में बक्सा या टाइगर्स का नाम आता है तो मेरे दिमाग में सिर्फ और सिर्फ एक ही स्टेट आता है, जल्दी से बताइए वो कौन सा स्टेट होना चाहिए। जब भी मैंने टाइगर का नाम दिया कौन से स्टेट के ऊपर आप जाओगे, कौन से स्टेट के ऊपर अपना जो है वो ब्लफ खेलोगे, किसके ऊपर अपना दाव लगाओगे। जल्दी से सभी लोगों को दाव लगाना है कि कौन लगाने वाला है। तो लोग बोले सर वेस्ट बंगाल के ऊपर लगाएंगे, वेस्ट बंगाल, वेस्ट बंगाल, वेस्ट बंगाल की तरफ लोग लगाना चाहते हैं। तो सही जवाब क्या है, तो वेस्ट बंगाल, क्योंकि यहाँ पर ही तो बंगाल टाइगर पाए जाते हैं। तो ये था इसका सही जवाब। बहुत लोगों ने अच्छा लग रहा है, तुम लोग जो है वो अच्छा खेल सकते हो, तुम लोग अच्छा दाव लगा सकते हो, कैसीनो में तुम लोगों को लेकर के चला जाए क्या। गोवा वैसे भी कोरोना फ्री स्टेट हो गया, तो कितने लोग मेरे साथ गोवा चलना चाहते हैं, गोवा पे ट्रिप पे जाना चाहते हैं, तो वो सभी लोग लिखेंगे हौसला बुलंद है #। जितने भी लोग जाना चाहते हैं मेरे साथ गोवा, क्योंकि गोवा कोरोना फ्री हो चुका है, तो लिखेंगे हौसला बुलंद है, ठीक है। लेकिन कोई भी स्पेस नहीं देना है इसके बीच में, ठीक है। और कमेंट बॉक्स में भी बता सकते हो, जो लोग बाद में देखेंगे हमारे साथ गोवा चलने का जिनका मूड हो, ठीक है। तो आराम से आप लोग टेक योर टाइम, अभी थोड़ा सा हम रेस्ट भी कर रहे हैं। तो यहाँ पर नींद का मानना है सर इंडिया का सबसे हाईएस्ट पीक कौन सा है, तो कंचनजंगा है, क्योंकि K2 जो है वो पीओके में है, वो डिस्प्यूट है, इसलिए हमारा कमीशन जो है वो किसको करता है, वो हमारा किसको, तो वो कंचनजंगा को हाईएस्ट पीक मानता है इंडिया का। तो देखिए हमारे जो कंप्यूटर जी है उन्होंने भी लिखा है कि हौसला बुलंद है। चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, और नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे क्या पूछने वाला है, नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछने वाला है वेयर इज द वैली ऑफ फ्लावर नेशनल पार्क इज सिचुएटेड, फूलों की घाटी राष्ट्रीय उद्यान कहां पर है, जम्मू एंड कश्मीर, लद्दाख, उत्तराखंड, हिमाचल प्रदेश, क्या होना चाहिए इसका सही जवाब, जल्दी से बताइए कि इसका सही जवाब क्या होना चाहिए, जब तक मैं अपनी टी शर्ट को थोड़ा सा सुखा लेता हूं। तो पूजा आई थिंक पहली क्लास है, और अगर आप इंजॉय कर रहे हो तो प्लीज बताना मुझे कि आप इंजॉय कर रहे हो कि नहीं, क्योंकि ये सारे बच्चे तो हमारे साथ बहुत दिनों से जुड़े हुए हैं, भले हम डीआरडीओ की क्लास को लेकर के आज शायद मुझे लग रहा है कि 2 महीने के बाद मैं डीआरडीओ की क्लास लेकर के आए हूँ आप लोगों के सामने। तो यहाँ पर क्या होगा, उत्तराखंड इज द राइट आंसर, उत्तराखंड जिसकी कैपिटल जो है देहरादून है, लेकिन इसका जो हाई कोर्ट है वो नैनीताल में है, नैनीताल मेरे सपनों की जगह है नैनीताल, ठीक है। इससे मेरी हमारी बहुत सारी कहानियां जुड़ी हुई है, कभी आपको अपनी स्टोरी में बताएंगे। उत्तराखंड इज द राइट आंसर। चलते अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, अभी आपको बताना है विच इज द लार्जेस्ट नेशनल पार्क इन इंडिया, हमारे हिंदुस्तान का सबसे बड़ा नेशनल पार्क कौन सा है, एमएस है, पंचमढ़ी है, मानस है, या वन विहार नेशनल पार्क है, देखते हैं कितने लोग बताने वाले हैं, जल्दी से बताइए क्या होना चाहिए इसका सही जवाब, ठीक है। कंप्यूटर जी हमारे बोल रहे हैं कि सर हम आपके साथ पूरी क्लास तक जुड़े हुए हैं, तो वो क्या करते रहेंगे हमारे चैट को मॉडरेट करते रहेंगे, जिससे कि आप लोग भी मोटिवेट होते रहे, ठीक है। तो कंप्यूटर जी बच्चों को मोटिवेट करते रहिए, जो पहले जवाब दे रहा है उनको पिक करिए, क्योंकि मेरा थोड़ा सा कंसंट्रेशन हट जाता है। तो यहाँ पर अगर हम लोग बात करेंगे तो हमारे पूरे ऑल ओवर इंडिया में जो सबसे बड़ा एरिया वाइज हो सकते हैं डिस्ट्रिक्ट है, जो कि जिसको हम लोग क्या बोलते हो,
जिसका नाम है लद्दाख, वहीं पर हमारा एक नेशनल पार्क है जो पूरे ऑल ओवर इंडिया का सबसे लार्जेस्ट बोल सकते हैं उद्यान है, जिसका नाम है आपका हेमिस राष्ट्रीय उद्यान। हेमिस नेशनल पार्क इज द राइट आंसर, जो कि लद्दाख रीजन में है। यहाँ पे आपके जो हिम तेंदुए हैं, मतलब जो आपके आइस में रहने वाले लियोपार्ड्स हैं, वो यहाँ पर आपको देखने को मिलेंगे। चलते अपने नेक्स्ट प्रश्न की तरफ। आपको बताना है कांगेर घाटी नेशनल पार्क कौन से स्टेट में आपको देखने को मिलेगी, बिहार, पंजाब, छत्तीसगढ़, एमपी, क्या होना चाहिए सही जवाब? देखते हैं कितने लोगों को इसका सही जवाब पता है कि हमारा कांगेर नेशनल पार्क है कहां पर पड़ेगा, बिहार, पंजाब, छत्तीसगढ़, एमपी, क्या होना चाहिए सही जवाब? तजेंद्र सिंह ने तो अपनी बाइसेप दिखाने शुरू कर दी है, जल्दी से बताइए सही जवाब क्या होना चाहिए। तो नील, कैसा आज तुम्हारा थर्ड क्लास है, एंजॉय कर रहे हो कि नहीं कर रहे हो? तो मैं आपको सबसे पहले बता दूं कि यहाँ के जो सीएम है वो भूपेंद्र सिंह है, यहाँ की जो कैपिटल है वो है हमारी रायपुर, और वो जगह का नाम है आपका छत्तीसगढ़। छत्तीसगढ़ इज द राइट आंसर। चलते अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे क्या पूछने वाला है, इटकी नेशनल पार्क कहाँ पे, इटकी, इट्स मिजोरम, मेघालय, नागालैंड या त्रिपुरा, क्या होना चाहिए सही जवाब? देखते हैं कितने लोगों को पता है कि इटकी नेशनल पार्क जो है वो कहाँ पर है। को ग्रीन टी पिला दो। तो यहाँ पे सही जवाब क्या होना चाहिए, तो यहाँ पर शिवम पांडे बोला कि वो कानपुर से है, मतलब हमारे होम टाउन से आप भी हो पांडे जी। यहाँ पे सही जवाब की बात करेंगे तो दैट इज नागालैंड। नागालैंड जहां पर कोरोना का एक भी केस नहीं आया, जीरो कोविड 19 केस इन नागालैंड, जिसकी कैपिटल आप सभी लोग जानते हो, दैट इज कोहिमा। मिजोरम की अगर हम लोग बात करें तो इसकी कैपिटल क्या है, तो आइजोल इसकी कैपिटल है, मेघालय की कैपिटल गुवाहाटी और त्रिपुरा की कैपिटल अगरतला है, तो ये भी आपको याद रहना चाहिए। चलते अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, और नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे क्या पूछने वाला है, खीर गंगा नेशनल पार्क कौन से स्टेट में आपको देखने को मिलेगा, इट्स यूके, यूपी, हिमाचल प्रदेश या वेस्ट बंगाल, क्या होना चाहिए इसका सही जवाब? अहमद बोले सर उनकी भी पहली क्लास है, तो बहुत अच्छे अहमद, और सबसे पहले तो आपका जो बोल सकते हैं ये पाक महीना चल रहा है, इसमें अपना ख्याल रखिए और अच्छे से सारी चीजों को लीजिए, और अपना जो आसपास के लोग हैं उनको भी थोड़ा सा अवेयर करिए, और अपना जो ईद आने वाला है आपका उसमें अच्छे से एंजॉय करिए, लेकिन सोशल डिस्टेंसिंग को मेंटेन रख के। यहाँ पर लोग क्या बोलने वाले हैं, तो सर होना चाहिए हिमाचल प्रदेश, खीर गंगा नेशनल पार्क जो है वो हिमाचल प्रदेश की तरफ जनता जा रही है, तो यहाँ पर हम लोग चलते अभी नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। आपसे क्या पूछने वाला है जल्दी से देखेंगे हम लोग। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछने वाला है कि आई थिंक हमने ये क्वेश्चंस कर लिए थे, चलिए तो आई थिंक हम लोग यहां तक पहुंच गए थे। दो मिनट वेट करिएगा, थोड़ा क्वेश्चंस को सेट करना पड़ रहा है। तो गर्म पानी नेशनल पार्क आपका कहां पर है, तो ये आपका गर्म पानी नेशनल पार्क आपका पड़ेगा आसाम में। इस नेशनल पार्क को हम लोग बोलते हैं राजीव गांधी उरांग नेशनल पार्क, राजीव गांधी उरांग नेशनल पार्क भी इसको बोलते हैं, जो कि आपका आसाम में पड़ता है। चलते अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। यहाँ पर मैंने कुछ आपको वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज दे दी हैं, जो कि मेरा सबसे फेवरेट क्वेश्चन है, मल्टीपल च्वाइस ऑप्शन जिसमें रहते हैं, जो अगर आपने ये कर लिया तो आपको ये सारे याद हो जाएंगे। आपके सामने मैंने लिखा है भुचांग, कोरिंगा नेशनल पार्क, डिब्रूगढ़, सिकोर नेशनल पार्क, उदयपुर वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, क्या होना चाहिए इसका सही जवाब जल्दी से बताइए। देखते हैं कितने लोगों को पता है इसका, इसको आराम से मैच करिए, टेक योर टाइम, जब तक मैं अपने गले को भी थोड़ा सा रेस्ट दे देता हूं। चलिए तो यहां पर अगर हम लोग बात करें तो क्या होना चाहिए सही जवाब, तो सबसे पहले भुचांग वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, नहीं दिख रहा है तो क्या कर सकते हैं, नहीं दिख रहा है तो इसको जूम करेंगे तो बाकी स्लाइड दिक्कत हो जाएगी। तो भुचांग नेशनल पार्क की अगर हम लोग बात करेंगे तो वो आपका कहां पर पाया जाएगा, तो ये हमारा पाया जाएगा अंडमान निकोबार में। आपको दिखाई दे रहा होगा भुचांग नेशनल पार्क अंडमान एंड निकोबार, याद रखना अंडमान निकोबार में जितने भी हमारे वाटर बोल सकते हैं कि नेशनल पार्क में मराइन दिखाई देगा, मरीन नेशनल दिखाई देगा, वो सारा का सारा अंडमान एंड निकोबार में है। और साथ ही साथ जिसमें आपका बोल सकते हैं कि बटन वर्ड दिखाई दे, बटन, साउथ बटन, नॉर्थ बटन, ये अगर दिखाई देगा तो वो भी आपका अंडमान एंड निकोबार में होगा। उसके बाद से अगर हम लोग बात करें तो
आपका कोरिंगा वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, ये आपके काकीनाडा आंध्र प्रदेश में, कहां पर है, काकीनाडा आंध्र प्रदेश में है, डिब्रूगढ़ सिकोह नेशनल पार्क। तो डिब्रूगढ़ आप लोग जानते ही हो, ये आपका आसाम में पड़ता है, मतलब सी का ई हो जाएगा। और उदयपुर वाइल्ड लाइफ सेंचुरी आपके बेतिया डिस्ट्रिक्ट बिहार में पड़ती है, बेतिया डिस्ट्रिक्ट बिहार में पड़ती है, आप सभी लोग जानते होंगे। तो यहाँ पर सही जवाब हो जाएगा आपका ए का जी, बी का एच, सी का ई और डी का एफ, मतलब थर्ड नंबर इज द राइट आंसर, तीसरा नंबर इसका सही जवाब है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अभी आपको बताना है विच ऑफ द फॉलोइंग वाइल्ड लाइफ सेंचुरी आर लोकेटेड इन अलवर डिस्ट्रिक्ट। अलवर का मिल्क केक बहुत फेमस है, तो राजस्थान के अलवर डिस्ट्रिक्ट में कौन सा नेशनल पार्क आपको मिलेगा, दांदोली, सरिस्का, चिन्नार नेशनल पार्क या दुधवार नेशनल पार्क, क्या होना चाहिए इसका सही जवाब, जल्दी से बताइए। लग रहा है कि आप लोगों का जोश जो है वो खत्म हो गया है, जा रहे हो, मैं क्लास को खत्म कर दूंगा, इसलिए प्लीज बने रहिए क्लास में, ठीक है। बहुत सारी चीजें अभी सीख सकते हो यहाँ पर। तो अगर हम लोग बात करें तो अलवर डिस्ट्रिक्ट में जो आपका पड़ता है नेशनल पार्क, उसका नाम क्या है, तो ये हमारा यूनेस्को हेरिटेज भी है हमारा, और यहाँ पर आपका सरिस्का टाइगर रिजर्व सही जवाब होगा, जैसे कि बहुत सारे लोग बता रहे हैं सरिस्का टाइगर रिजर्व इज द राइट आंसर, जहां पर आपके हियानाज और बाकी के सारे मिलेंगे, तो इसका टू नंबर इज द राइट आंसर। चलते अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। वेल्चर या जिसको आप लोग जटायु बोलते हो, अभी आप लोगों ने देखा होगा रामायण, सभी लोगों ने जटायु की तरफ देखा होगा, तो बताइए ये कौन सी वाइल्ड लाइफ सेंचुरी में आपको देखने को मिलेगा, सरस्वती, वीर शिकारगा नेशनल पार्क, नाहर वाइल्ड लाइफ सेंचुरी या भिंडवास वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, क्या होना चाहिए इसका सही जवाब। तो ये हमारे, अगर हम लोग बात करें तो ये हमारे रेवाड़ी डिस्ट्रिक्ट में है, हरियाणा में, जो कि हमारा लगभग 2 लाख हेक्टेयर एरिया में फैला हुआ है, हेक्टेयर एरिया में फैला हुआ है, और यहाँ पर आपको बहुत सारे जो मंकीज के टाइप हैं वो देखने को मिलेंगे, जैसे कि लंगूर जानते हो, लूफ है, ब्लू पेफोल है, जैकल है, ये सारे के सारे आपको यहाँ पर देखने को मिलेंगे। जैकल मतलब होता है आपका सियार, हमारे गाँव में बहुत सियार देखने को मिलते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे सही जवाब क्या होगा, तो दैट इज आपका वीर शिकारगा नेशनल पार्क। अभी आपको बताना है विच ऑफ द दीज वाइल्ड लाइफ सेंचुरी इज सिचुएटेड इन रेवाड़ी डिस्ट्रिक्ट, आई थिंक क्या होना चाहिए इसका सही जवाब, जल्दी से जवाब दीजिए। रेवाड़ी डिस्ट्रिक्ट में आपका कौन सा नेशनल पार्क देखने को मिलेगा, चलिए क्या होना चाहिए इसका सही जवाब। तो लोग बोल रहे हैं सर होना चाहिए 2 नंबर, मतलब नाहर वाइल्ड लाइफ सेंचुरी इज द राइट आंसर, नाहर वाइल्ड लाइफ सेंचुरी इनको लग रहा है। चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अभी आपको बताना है किश्तवाड़ नेशनल पार्क आपका कौन से राज्य में पड़ेगा, इसे जम्मू एंड कश्मीर, हिमाचल प्रदेश, पंजाब, सिक्किम, आपको बताना है कि क्या होना चाहिए इसका सही जवाब। किश्तवाड़ नेशनल पार्क आपको कहां पर देखने को मिलेगा, जम्मू एंड कश्मीर, हिमाचल, पंजाब या सिक्किम, क्या लगता है आपको। तो किश्तवाड़ नेशनल पार्क जो कि हमारे वापस से लियोपार्ड्स के लिए बहुत फेमस है, और यहाँ पर ये आपका कहाँ पर पाया जाएगा, तो ये आपका जम्मू एंड कश्मीर में पाया जाएगा, तो यहाँ पर जम्मू कश्मीर, किश्तवाड़ नेशनल पार्क आपको यहाँ पर कहाँ पर पाया जाएगा, यहाँ पर आपको दिखाई दे रहा होगा, तो ये आपका जम्मू एंड कश्मीर में पाया जाएगा। चलते अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। कान्हा नेशनल पार्क आपको कहाँ पर देखने को मिलेगा, एमपी, यूपी, आसाम या वेस्ट बंगाल, जल्दी से बताइए क्या होना चाहिए इसका सही जवाब। कान्हा नेशनल पार्क आपको कहां पर देखने को मिलेगा, हाँ समझ गए, स्लाइड नहीं चेंज हुई थी, हमारा तो लैपटॉप है थोड़ा सा हैंग कर रहा है, लेकिन आई थिंक हम लोग क्लास को कंप्लीट कर लेंगे। तो यहाँ पर अगर हम सही जवाब की बात करें तो कान्हा राष्ट्रीय उद्यान जो कि आपका कहाँ पर पड़ता है, जो कि आपका एमपी में पड़ता है, ये सही जवाब है, एमपी इज द राइट आंसर। अभी आपको बताना है साइलेंट वैली नेशनल पार्क इज लोकेटेड इन इंडियन स्टेट ऑफ, साइलेंट वैली नेशनल पार्क जो कि भारत के कौन से राज्य में पड़ेगा, उत्तराखंड, केरल, एमपी या वेस्ट बंगाल, सही जवाब क्या होना चाहिए, साइलेंट वैली की हम लोग बात कर रहे हैं, उत्तराखंड, केरल, मध्य प्रदेश या वेस्ट बंगाल, जल्दी से जवाब दीजिए क्या होना चाहिए सही जवाब।
हमने आपको बताया जितने लोग शुरू से जुड़े होंगे, हमने आपको बताया है कि कहाँ क्या होना चाहिए सही जवाब। तो लोगों का मानना है कि सर केरला होना चाहिए, केरला इज द राइट आंसर। तो अब हम लोग चलते हैं अपने कुछ ऐसे क्वेश्चंस के लिए जो कि हमारे नेशनल पार्क के बाद वापस से इंपॉर्टेंट हो जाते हैं, मतलब हमारे इस पूरे सिनेरियो में किन लोगों को इंपॉर्टेंट अवार्ड्स रिवॉर्ड्स मिले हैं उनका डिस्कशन करने जा रहे हैं। तो आई होप जितने लोग वापस गए हुए थे चाय पानी पी करके वापस से जुड़ जाइए, क्योंकि हमारा सेशन अब जो स्टार्ट होने वाला है वो है हमारे अवार्ड्स एंड रिवॉर्ड्स को लेकर के। तो हम लोग यहाँ पर चलते हैं। आई थिंक हमारा जो पहला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर आने वाला है, थोड़ा सा आप वेट करिए। हाँ, सबसे पहला हमारा क्वेश्चन है, हु अमंग द फॉलोइंग इज द विनर ऑफ 1,000 US डॉलर 9 डॉट्स बुक जो लिखी है उसको किसके लिए ये अवार्ड मिला हुआ है, 9 डॉट्स अवार्ड। एनी जैदी, चेतन भगत, अरुंधति राय या शशि थरूर, क्या होना चाहिए इसका सही जवाब। देखते हैं कितने लोग बताने वाले हैं, कितने लोगों को पता है। तो यहां पर अगर हम लोग बात करेंगे तो लोग एक नंबर बोल रहे हैं, और यहाँ पर नील को भी एक नंबर लग रहा है। सर एनी जैदी होना चाहिए जिन्होंने 9 डॉट्स प्राइज मिला हुआ है। चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अभी आपको बताना है रविंद्रनाथ टैगोर लिटरेसी प्राइज 2019, ठीक है, ये दिया गया है। एक नोवेल थी जिसका नाम था सोलो, ये किसने लिखा है, अमिताभ घोष ने, राणा दास गुप्ता ने, झंपा लहेरी ने, या नयन ज्योत मुखर्जी। तो ये आई थिंक सोलो जो है बंगाली राइटर ने लिखी होगी। तो जल्दी से जवाब दीजिए किसने इसको लिखा हुआ है, जल्दी जवाब देंगे तो आई थिंक हम लोग ज्यादा से ज्यादा क्वेश्चन कर पाएंगे। टाइम सिर्फ 15 मिनट और क्वेश्चन बहुत सारे करने हैं। डार्कनेस ऑफ फिर शशि थरूर ने लिखी है। तो मनीष कहाँ तक गायब थे अभी तक सुबह से, जब हमारी क्लास 9 बजे थी तो 9 बजे आके ज्वाइन करना चाहिए था। यहाँ पर लोग लगता है कि सर 2 नंबर होना चाहिए, राणा दास गुप्ता की तरफ जा रहे हैं, तो दैट इज द राइट आंसर। चलते अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। जनवरी 2019 यूएस बेस्ड पोएट, इंडियन पोएट, हैज रिसीव द फाइनल वुमेन्स वॉइस अवार्ड एट द एपीजे कोलकाता लिटरेसी फेस्टिवल। इनमें से कौन से भारतीय कवि हैं जिन्होंने एपीजे कोलकाता साहित्य महोत्सव में वुमेन्स वॉइस अवार्ड को जीता है। मीना अलेक्जेंडर, रंजन मुरली, समिता अग्रवाल या सुजाता भट्ट, क्या होना चाहिए इसका सही जवाब। एपीजे कोलकाता, तो यहां पर अगर देखा जाए तो सही जवाब क्या है, तो सही जवाब है जैसा कि विक्की ने बताया कि सर होना चाहिए रंजनी मुरली इज द राइट आंसर। चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। जवाब देते रहो, याद रहेगा, अगर जवाब दोगे गलत जवाब देने के बाद भी तुम्हें सही। करेक्टिंग माई चैडल लाइफ द ऑटोबायोग्राफी ऑफ ए दलित किसने लिखा हुआ है, द हिंदू लिट फॉर लाइफ 2019, जल्दी से बताइए किसने लिखा है, द हिंदू लिट ऑफ द लाइट किसने लिखा है बुक को, ये ऑटोबायोग्राफी ऑफ अ दलित इंटरोगेटिंग माई चैडल लाइफ। तो यहां पर हम लोग सही जवाब की अगर हम लोग बात करेंगे तो क्या है, तो यहाँ पे सही जवाब का नाम है मनोरंजना व्यापारी, मनोरंजना व्यापारी इज द राइट आंसर। चलते अपने नेक्स्ट प्रश्न की तरफ। आपसे क्या पूछने वाला है, एंग्री अक्कू, एंग्री अक्कू जो है एक बहुत अच्छी पिक्चर्स के फॉर्म में एक बुक लिखी गई है, उसके बाद से इसको एक लाइफ टाइम जो है अचीवमेंट अवार्ड भी मिला हुआ है। अभी आपको बताना है कि ये बुक जो है वो किसने पब्लिश की थी, किसने इसको लिखा था, किसने इसको छापा था। राजीव आईपे, ममता मैनी, नीलम सरन गौड़, विनायक वर्मा। अपने आपके घर में अगर छोटे बच्चे हो तो ये बुक जरूर दिखाइएगा, क्या होना चाहिए इसका सही जवाब। तो लोग बोले सर होना चाहिए, नील ललित बोले सर होना चाहिए 4 नंबर, विनायक शर्मा। तो विनायक वर्मा की तरफ लोग जा रहे हैं, वो सही है, एंड्रिया कू उन्होंने लिखी है। अभी आपको बताना है नमिता गोखले वॉज अवॉर्डेड फिलिंग द ब्लैंक्स फॉर हर वर्क थिंग टू लीव बिहाइंड अंडर द बेस्ट बुक ऑफ फ्रिक्शन रिटन बाय। तो अभी आपको बताना है प्रसिद्ध लेखिका नमिता गोखले को भोपाल साहित्य और कला महोत्सव उद्घाटन संस्करण में महिला लेखिका द्वारा लिखित कथा की श्रेणी में सर्वश्रेष्ठ पुस्तक के तहत थिंग्स टू लीव बिहाइंड का सम्मान दिया गया। ये किसको दिया गया है, सुशीला देवी जनपीठ पुरस्कार, साहित्य अकेडमी अवार्ड, युवा पुरस्कार अवार्ड, क्या होना चाहिए इसका सही जवाब। चलिए तो यहां पर देखा जाए तो सही जवाब क्या है, तो दैट इज द सुशीला देवी साहित्य पुरस्कार। तो चलिए
आज के सेशन को हम लोग यही खत्म करते हैं। मेरा लैपटॉप भी थोड़ा हीटअप हो गया है और हम लोगों ने बहुत सारे क्वेश्चन किए। अब बात आती है पीडीएफ की। पीडीएफ जैसे ये क्लास खत्म होगी तो आपको पीडीएफ अटैच कर दी जाएगी। सबसे पहले हमने अपॉइंटमेंट्स पढ़े, उस अपॉइंटमेंट की पीडीएफ पढ़ेंगे, उसको डाउनलोड करो, प्रिंटर अगर आपके पास है तो उसको प्रिंट लो और इस वीडियो को एक बार फिर से देखो और जो जो मैंने आपको डिटेल बताई है उनको नोट डाउन करो वहां पर। ये क्वेश्चन मैंने आपको शुरू में बताया था आपके लिए बहुत महत्वपूर्ण है। उसके बाद से मैंने आपको पढ़ाया बुक एंड ऑर्थर, नेशनल पार्क अवार्ड्स, ये क्वेश्चन अगर आप कर लेते हो तो डीआरडीओ में मैंने आपको शुरू में बताया है 80% करंट अफेयर्स आने वाले हैं तो आपके लिए बहुत महत्वपूर्ण होगी। तो मिलते हैं, जैसे कि आज हम लोग डीआरडीओ क्लास में बहुत दिनों के बाद मिले हैं, बहुत लोगों के साथ मिलकर के बहुत अच्छा लगा। कुछ लोगों ने जो है वो बहुत अच्छे से वीडियो को शेयर किया, सबका हौसला बुलंद है और अगर हौसला बुलंद है तो मैं चाहता हूँ चैट बॉक्स से जब ये वीडियो खत्म होगा तो आपको कमेंट बॉक्स मिलेगा, उस कमेंट बॉक्स में सभी को लिखना है हौसला बुलंद। फिर हम लोग मिलेंगे किसी मोड़ पे, किसी चौराहे पे, कहीं और पे। टिल देन हैव अ गुड डे एंड बेस्ट ऑफ लक। अपना ख्याल रखिएगा और बहुत अच्छे से पढ़ाई करिए क्योंकि डीआरडीओ में सिलेक्शन लेने के लिए एक अलग ही लेवल की मेहनत करनी पड़ेगी। अपना ख्याल रखिएगा। टिल देन हैव अ गुड डे एंड बेस्ट ऑफ लक एंड एंजॉय द संडे।